हम लोग ने कृष्णा सर्वप्रथम उन्हें पुत्रा को मारे। अब बताओ तो भगवान राम सबसे पहले किसको मारे थे? द्वारका। देखो दोनों प्रभु ने करीब करीब एक ही शिक्षा दिए है। बोले पुतना मतलब क्या? बोले पूत मतलब पवित्र, अरे ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र। बोले तारका, तारका मतलब क्या होता है? बोले तारा दीदी तारका, जो जीव को संसार में भगाता रहता है, संसार में दुख कष्ट देता है। संसार में हमें कौन दुख कष्ट देता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, यही संसार में हमें दुख कष्ट प्रदान करती है। मानो दोनों प्रभु एक ही शिक्षा दिए। अगर कोई भगवान को अपना हृदय में बैठना चाहते हो, पहले ये पूतना को मारो, पहले ये तारका को मारो। इसलिए पूतना, ये भी तीन अक्षर है। बोले तारका, ये कितना अक्षर है? तीन अक्षर है। पूतना भी स्त्री और तारका भी स्त्री। इसलिए मानो दोनों प्रभु ने एक ही शिक्षा दिए। भगवान को भक्ति करने के लिए दो दैत्य को, दोनों को आपको मारना पड़ेगा, तब भगवान आपके हृदय में ठाकुर जी बैठेंगे। इसलिए हमारे संतों ने एक उदाहरण देकर समझाए। बोले भगवान अगर पुतना को इतने बड़े पद दे दिया, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले पुतना लोक वाला भी राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया भी असाध्य। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भैया भक्ति करना तो कृष्ण भक्ति करो, और किसको भक्ति मत पर मना कर देते हैं। बोले क्यों? देखो ये चीज को अच्छे तरह समझो। कहती है पुतना को अंदर में सारे दुर्गुण ही था। पहला नंबर में ये थी पुतना, मतलब जो अपवित्र। बोले दूसरे नंबर में क्या थी? बोले बच्चों को खून पीने वाली। बोले तीसरी नंबर में क्या थी? बोले राक्षसी। बोले चौथे नंबर में क्या थी? कहते कृष्ण के लिए क्या लेकर के आई थी? बोले जहर। इसको अंदर में कोई भी गुण नहीं, सारी अपवित्रता, सबके सब इसको अंदर में दुर्गुण थी। लेकिन कृष्ण को देखो, कृष्ण कितने दयालु। हमारे टीकाकार कहते हैं उतना मतलब जो पूत मतलब पवित्र ना मतलब नहीं, मतलब जो अपवित्र रहने वाली व्यक्ति को ठाकुर जी अगर गोलोक वृंदावन में स्थान दे दे, जैसे आप लोग राधा कहते हैं, कौन सा कलर की साड़ी पहन कर जाए? गुलाबी। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रधर कहते हैं, अगर कोई भगवान के दरबार में अगर ये अपवित्र पापी ऐसी अगर आए, ठाकुर उसको इतने बड़े पोस्ट दे के, अगर ठाकुर की कथा में ठाकुर की दरबार में थोड़ी सी बढ़िया कपड़ा कोई पहन करके आ जाए, बोले बताओ कृष्ण उसको क्या नहीं दे? ठाकुर जी के लिए क्या लेकर के आए? बोले बीस जहर लेकर के आए। जो जहर लाने वाले व्यक्ति को ठाकुर अगर इतने बड़े पद दे सकते हैं, जैसे आप लोग कोई ठाकुर जी के लिए कोई केले लेकर के आते हो, कोई फल लेकर, कोई फ्रूटी लेकर के आए हो, हैं? ठाकुर जी के लिए कोई टॉफी लेकर के आए हो। अगर ठाकुर का सबसे प्यारा होता है मक्खन और मिश्री, ठाकुर का मुंह बहुत कोमल है ना, ठाकुर जी मिट्टी मिश्री मक्खन खाते हैं। तो यहाँ हमारे टीकाकार कहते हैं, अगर ठाकुर जी के लिए अगर थोड़ी मक्खन मिश्री लेकर के आए, तो फिर ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे? ठाकुर जी क्या नहीं देंगे? ठाकुर जी तीसरा नंबर में कहते हैं वो थी राक्षसी। अगर राक्षसी ठाकुर जी को पास में आए, अगर ठाकुर जी इतने बड़े पोस्ट दे सकते हैं, अगर कोई एक इंसान है, कोई अगर कोई इंसान आए तो, और उसको साथ साथ में, नहीं तो ठाकुर जी कोई भक्त अगर ठाकुर जी को पास में आए भक्ति की भावना लेकर के, पर ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे ठाकुर जी? इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं। बोले प्रभु लगता है अंधेरी नगरी चौपट राजा और टाका सरे भाजी और टाका सरे खाजा, नाम सुने कि नहीं? कहते लगता है तुम्हारी जो नगरी है ना, तुम्हारी जो राज्य है अंधेरी नगरी। क्यों? पुतना को अगर आप इतने बड़े पोस्ट दे सकते हो गोलोक वृंदावन में, फिर जो माताएं आपको प्रेम से स्तन पान कराया करती थी, जब बछड़े बन गए गैया की दूध पीते थे, फिर जब ब्रज गोपियों को घर में आप जाते थे,
गोपियां गोद में बैठ करके मथन मिश्री खिलाया करती थी, बताओ उनको क्या दो? लगता है तुम्हारी राज्य है ना अंधेरी नगरी है। एक छोटी सी कथा सुनो। बोला एक समय एक गुरु और एक चेले थे। गुरु चेले घूमते घूमते एक राज्य में पहुंचे, लेकिन वो राज्य अंधेरी नगरी चौपट राजा। वहां पर एक नियम था, आप जो कुछ खरीदी करोगे, कोई भी चीज आप खरीदी करो, उसका जो किलो 1 रुपया। अगर रसगुल्ला अगर किलो खरीदी करोगे, अगर आपने राबड़ी खरीदी करोगे, रसमलाई खरीदी करोगे, नहीं तो घी खरीदी करोगे, नहीं तो कोई साग भाजी भी खरीदी करोगे ना, जो कुछ खरीदी करो उसका एक किलो का कितना कीमत है? 1 रुपया। एक समय गुरु चेला घूमते घूमते जब पहुंचे, जो चेला था तो बड़ा खुश हो गया, बोले भैया जो कुछ लो 1 रुपया, यहाँ साग भाजी क्यों खाए, रोज रोज राबड़ी खाए, घी पिए, रसमलाई खाकर शरीर को थोड़ी सी तंदुरुस्ती करते। बोले गुरु जी बहुत बढ़िया जगह पर आ गए, मैं तो यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। गुरु जी बोले बेटा सावधान, लगता है अंधेरी नगरी चौपट राजा एक टाका सर भाजी और टाका सर खाजा। जिस देश में 1 किलो सब कुछ 1 रुपया हो, 1 किलो, लगता है देश का राजा जरूर कोई पागल होगा, नहीं तो कभी ऐसे राज्य टिक नहीं सकता है, राज्य टिक नहीं सकता है। बेटा यहाँ नहीं रहनी चाहिए, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। बोले गुरु जी इतने बढ़िया जगह पर आ गए, कहते भागो मैं तो नहीं जाता हूँ। गुरु जी कुछ दिन रह करके ना घी को रसमलाई खा कर थोड़ा शरीर को थोड़ी सी बना दे। बोले चला मैं जा रहा हूँ। बोले गुरु जी आप जाओ, मैं कुछ दिन रहूँगा। गुरु जी ने कहा देख बेटा, अगर विपत्ति बीच में कोई विपत्ति आ जाए ना, मेरे को स्मरण कर देना। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, अब जाओ। अभी रोज रोज रसमलाई राबड़ी है पनीर घी खरीदी कर खूब खा रहा है। चले खा खा कर शरीर में एकदम पूरा मोटे सोटे लंबे चौड़े बनाए। एक दिन क्या हुआ, एक बूढ़ी माता के घर में किसी चोर ने चोरी की। चोरी करके जब चोर भाग रहा था, इसने पीछे से देख लिया था, लंबा चौड़ा था इतना, और कुछ देखा नहीं, सूरत नहीं देखा, पीछे से देखा लंबा चौड़ा मोटा सा। सबर होते ही राजा के पास में आए, बोले महाराज हमारे घर में कल रात को चोरी हो गई। बोले तुमने देखा है? बोले उसको तो मुंह देखा नहीं, पीछे से देखा था, वो थोड़ा मोटा लंबा चौड़ा था। राजा तो पागल था ही। राजा ने सिपाही को बोले देखो राज्य में सबसे मोटा चौड़ा कौन है, लंबा चौड़ा, और ये तो घी पी पी करके रसमलाई खा खा करके ये लंबे चौड़े बने थे, देखा हमारे राज्य में सबसे मोटा चौड़ा कौन है। बोले चलो। बोले कहाँ पर? बोले कल एक माता जी घर में चोरी हुई, उसने पीछे से देखा था लंबा चौड़ा मोटा था, हम देखते हैं हमारे राज्य में सबसे लंबा चौड़ा मोटा। चल राजा बुला रहे हैं। बोले हे भगवान, गुरु जी तो सही कह रहे थे, मुंह से देखा नहीं पीछे से देख लिया, तो जो मोटा छोटा वही चोरी किया। आया राजा के पास में, बोले देख तुमने चोरी की। बोले महाराज हमने चोरी नहीं की। बोले नहीं, वो पीछे से देखा था मोटा छोटा लंबा, तू तो मोटा छोटा लंबा तू, इसलिए तेरे को फांसी में झूलना पड़ेगा। बोले गुरु जी सही कह रहे थे, नियम है जब किसी व्यक्ति को फांसी में झुलाया जाता है, उसको अंतिम इच्छा पूछी जाती है, भैया कोई इच्छा है? बोले थोड़ी सी गुरु जी से मिलने का इच्छा। बोले गुरु जी कहाँ पर? बोले अमुक स्थान पर। बोले गुरु जी को बोला, बोले बेटा क्या बात? बोले गुरु जी सही बोल रहे, पता नहीं किसने चोरी किया, पीछे से देखा लंबा चौड़ा मोटा और मेरे को पकड़ करके ले आया। बोले बेटा तेरे को मैं पहले समझा रहा था, तो समझा नहीं देखा अभी। बोले गुरु जी माफ कर दो, और कभी ऐसी गलत नहीं करता, बताओ एक बार बचा दो। बोले देख बेटा हम दोनों आपस में लड़ेंगे, मैं बोलूंगा मेरे को फांसी में झुलाओ, और तुम बोलना मेरे को फांसी में झुलाओ, जो कुछ करना मैं कर लूंगा। ए गुरु चेले में तो लड़ाई बैठ गए। गुरु जी कहते फांसी में मैं चढ़ूंगा, शिष्य बोले नहीं, गुरु जी कहते नहीं मैं चढ़ूंगा। अभी राजा ने देखा भैया क्या चक्कर है, ये दोनों फांसी में झूलने के लिए लड़ाई। बोले इधर गुरु जी को बोला, बोले क्या बात क्यों लड़ रहे? बोले महाराज आपको पता नहीं, मैं जब यहाँ आया ना पंचांग देख करके आया, आज 100 साल के बाद में अमृत योग है, अगर आज का दिन कोई फांसी में झूलेगा ना सीधा बेकुंठ हो जाएगा, मैंने देख कर पंचांग आया, इसलिए गुरु जी बोले मैं चढ़ूंगा। चला झट फिर लड़ाई। गुरु जी ने कहा 100 सालों के बाद में अमृत योग आया, अभी तो मेरे मैया बूढ़ी हो गई, कुछ दिन बाद में मरने वाली, पास अपना मैया को चला दो सुली में, तो फांसी में मैया सीधा बैकुंठ चली जाएगी। बोले भागो दोनों, जरूरत नहीं तुमको फांसी में, भागो यहाँ से।
गुरु जी ने बोला चला जल्दी भागो यहाँ से, बस गुरु चला तो भाग गए और अपना मैया को उसने पास में मिला दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर कहते प्रभु जी कृष्ण से प्रश्न कर रहे सुखदेव, आप बता ब्रजवासियों क्या करें। भगवान कहते ब्रजवासियों को मैं जो दूंगा ना, ये मत समझो पुतना को जो दिया वही दूंगा, नहीं पुतना को तो धाई चित्त और धाई भी नहीं, जो धाई मैया की उचित गति दिया। मैं तो भक्तों को सखा लोग मेरे को इतने प्रेम में बस उनको कर देते हैं, अगर सखा को कोई फल मिल गया ना पहले खा लेते, बोले कन्हैया ये फल बड़ा मीठो है, बोले सारे तो अकेले खाओगे, और छीन करके कृष्ण झुठन खाते हैं। कृष्ण श्रीदान में लड़ाई होती है, जो हार जाता है ना, कृष्ण हार गए तो सखा को कंधे पर ठाकुर जी बैठा करके ले जाते हैं, और मैया तो अगर कन्हैया थोड़ी सी कोई नटखट किया ना उसको उखल में बांध देती है, कान मोल देती है, हैं उसको तो गोद में लेकर प्यार करती है, और गोपियों का प्रेम तो अनूठा प्रेम है। अगर कभी राधा रानी मान कर ले तो कृष्ण स्वयं राधा जी की चरणे अपना सर झुका देती हैं, उनसे प्रेम की भीख मांगती हैं, इसलिए ठाकुर जी सबको बराबर चीज नहीं देते। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखो ध्यान देखो सुनो, ये सीखने का बात है भैया, कोई दूसरे देवादेव को पूजा मत करो। बोले क्यों? बोले अगर किसी देवादेव को पूजा करोगे, अगर तुम्हारी पूजा में थोड़ी सी अगर गड़बड़ी हो गई, थोड़ी सी पूजा में इधर उधर हो गई ना, देने का लेने का दिन देने पड़ जाता है, हैं? अगर थोड़ी सी कोई पूजा में अगर उल्टा पुल्टा हो गई, लेकिन कृष्ण भक्ति में है ना, कोई उल्टा पुल्टा भी हो जाए ठाकुर जी तुम्हारी उल्टा पुल्टा चीज को नहीं लेते हैं, ठाकुर जी तुम्हारी भक्ति को लेगी, तुम्हारी गंदी चीज को नहीं लेंगे ठाकुर जी, क्योंकि कहते तुम्हें वो माता च पिता तो मैं, ये चीज को समझो। जैसे बच्चे अगर मैया की गोद में टाटी पेशाब कर देते हैं, क्या मैया फेंक देते ना साफ कर लेती है? बोलो क्या करती है? साफ करती है, क्यों? माँ है वो, माँ है, ये माँ होने का नाते उसके अंदर ममता, ये मेरा लाला है, मेरे बेटा है। उसी तरह हम जिसकी बेटा है ना, वो कृष्ण का ही हम बेटे है, वो ही हमारी माँ और वो पिता है। अगर तुम्हारी भक्ति में थोड़ी गड़बड़ी होगा, ठाकुर तुम्हारी कोई गड़बड़ी सड़बड़ नहीं लेंगे, तुम जो अच्छे चीज करोगे ठाकुर जी वही चीज लेंगे। लेकिन जो दूसरे देवादेवी होंगे ना, कभी ऐसा नहीं होगा, थोड़ी सी कहीं पान से चून निकल गया बस वहीं पर उल्टा लिया। सर रावण का नाम सुने कि नहीं? उन्होंने उसका नाम दशाना 10 बार सर काट कर दे दिया था। शंकर जी के पक्के भक्त थे, लेकिन जिस समय हनुमान जी ने लंका जला रहा है, किसने बोले, बोले क्यों शंकर जी देखो चले चले कि ऐसे तैसे हो रही है, लंका कैसे जल रहा है। शंकर जी स्वयं कहते हैं जो भगवान की भक्ति छोड़ करके इधर उधर भक्ति करके उसका वही दुर्गति, उसकी वही दुर्गति होती है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भक्ति करना तो भगवान कृष्ण भक्ति करो। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, जय जय श्री बोल गुरु जी महाराज की, जय भागवत भगवान की, जय 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 श्री राधे। ओ नयन में सम समय गो, मोह प्रेम करो लगाए गो, नयन में सम समय गो, मोह प्रेम करो लगाए गो, what the
I'm not afraid of the dark.
प्रकट जन्म में क्या करे थे?
जैसे भागवत कल सुन रहे थे ना, कृष्ण चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए। जब देवकी वसुदेव बोले आपको तो हम पुत्र रूप में प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या किया, बोले तुमने पूर्व जन्म में प्रिश्नी और सुतपा थे, पेड़ से जो पत्ते गिरते थे वो सूखे पत्ते खा खा करके 12,000 साल तक तुम लोगों ने तपस्या की। जब मैं संतुष्ट होकर के दर्शन दिया, बोले क्या वर चाहिए, बोले आप जैसे हमें के बेटा चाहिए, बोले मेरे जैसे तो कोई होते नहीं, मैं ही तुम्हारी बेटा बन करके आ जाऊंगा। ठाकुर जी वरदान दिए थे, इसलिए ठाकुर जी यहाँ पर ठाकुर जी तब चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए और बोले देखो मैं अभी एक बालक बन जाऊंगा और मेरे को लेकर गोकुल में रख करके वहां से बेटी को ले आना, ये बोले है ना। लेकिन जब बेटा कोई जन्म लेता है, आप लोगों ने बेटे को जन्म दिए होंगे ना, बच्चे को जन्म दिए होंगे, देखना जब बच्चे किसी माँ की पेट से जन्म लेते हैं उनको नाड़ काट जाती है, नाड़ काट जाती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या कृष्ण भाई नाड़ काटी गई क्या, नहीं, यहाँ पर तो कृष्ण चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और बालक हो गया, जन्म ही नहीं हुए ठाकुर जी, यहाँ पर ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। बोले ये बात कहाँ पर लिखी हुई, बोले भागवत में ही है। इसलिए श्री गोपियां जब गोपी गीत को गाती हैं वह क्या कहती हैं, बोले जयति देविका ठाकुर जी जब से तुमने ये ब्रज में जन्म लिया, यहाँ पर शब्द आता है जयति जन्मना ब्रज, तो जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया ना तब से ब्रज की जय जयकार हो रहा है। पुतना आई अगासुर आई गोवर्धन लीला हुई, ठाकुर जी रास लीला किए, ब्रज में तो आनंद की लहर छाया हुआ है, हैं? यहाँ पर गोपियां ब्रह्मा भी कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, बोले नव मिटते अभ्रपुषे तड़िताम्बराय, ब्रह्मा कहते हैं प्रभु आप कौन हो, बोले पशु पांगजाय, पशु का मतलब जो गैया को चराने वाले, कौन है वसुदेव महाराज क्या गैया चराए करते थे, गैया कौन चराते थे, नंद बाबा, बोले नंद बाबा से तुमने जन्म लिए हो इसलिए तुम पशु पांगजाय हैं। जब श्री गर्गाचार्य जब नाम करने करने के लिए कृष्ण का आते हैं, यहाँ पर भी वो स्वयं कहते हैं, बोले श्री नंद बाबा तुम्हारी जो बेटा है ना, बोले प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जात तवात्मज ललात तेराइये, लेकिन ये ने कभी मथुरा में वसुदेव की लाला भयो इसलिए इसका नाम एक वासुदेव होगा। इसलिए भागवत में बहुत सारी जगह में प्रमाण देते हैं कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, कृष्ण गोकुल में नंद के लाला बन करके जन्म हुए। अभी हम कथा सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला होकर जन्म लेते हैं। कहते श्री परिजन बाबा की कहते 5 बेटे थे, उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंदन। लेकिन जैसे पंच पांडव में देखोगे ना, बताओ तो पंच पांडव के जो बीच का लड़का कौन, पांडव में अर्जुन, लेकिन यद्यपि पंच पांडव है लेकिन कृष्ण का सबसे प्रिय भक्त कौन है, अर्जुन है, अर्जुन का विशेष सखा है। उसी तरह ये भी परिजन बाबा की 5 बेटे हैं लेकिन बीच का जो बेटा है ना ये नंद है, हैं? नंद मतलब क्या, आनंद है, नंद सबको जिसने आनंद दिया, बोले हमें क्या आनंद दिया, बोले कृष्ण को जन्म दिया, कृष्ण को जन्म दिया तभी तो हम भजन कर रहे हैं ना कृष्ण को, और जो भजन करता है वो तो आनंद में रहते हैं, इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अभी जब 5 बेटे हुए, 5 बेटे को उन्होंने शादी करवा दिया, घर में बहू आ गई, नाती पोते भी हो गए। एक दिन परिजन बाबा सोच रहे हैं
अभी हमको संसार में ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की जो मानव शरीर दिया है ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार देते हैं, ये जीवन बारंबार ठाकुर जी नहीं देते हैं। ये जो मानव शरीर नहीं कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, कभी इसी मानव शरीर में ही प्रभु की भक्ति करके हम भगवान को पास में जा सकते हैं। मानव के सिवाय कोई भी प्रभु को भक्ति कर ही नहीं सकते, सभी का मुक्ति के दरवाजा बंद है। इसलिए उसे 50 साल हो गया, कहते चार ही आश्रम है, क्या है? पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। पहले ये नियम होता था 25 साल तक सबको गुरुकुल में जाना पड़ता था, जैसे आप कृष्ण लीला देखे, कृष्ण बलराम जी गुरुकुल में गए, रामलीला देखे, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी गुरुकुल में गए। पहले यही नियम होता था सबको 25 साल तक सबको गुरुकुल में जाना पड़ता था, 25 साल तक वेद पुराण उपनिषद हैं, जैसे अभी 25 साल तक बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसी समय गुरुकुल में सबके सब पढ़ते थे, सारे वेद पुराण का अध्ययन करते थे। जब पूरी हो जाती थी तब गुरु जी बोलते थे बेटा अभी बताओ तुम क्या करोगे, अभी तुम्हारी पढ़ाई समाप्त तो हो गया है, बताओ तुम अभी क्या करोगे। अभी गुरु जी के आशीर्वाद से जिनको ये ज्ञान हो जाता था ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, ठाकुर जी बारंबार ये मानव शरीर नहीं देते और इसी जीवन में प्रभु को हम प्राप्त कर सकते हैं, तब बोलते थे गुरु जी हम तो आपकी आश्रम में रह करके प्रभु की भक्ति करते हुए जीवन को हम मुक्ति मार्ग में चला देना चाहते हैं। लेकिन जिसकी हृदय में बहुत ही कामना वासना होती थी बगैर शादी के रह नहीं सकते थे, गुरु जी कहते थे बेटा घर में जाओ, घर में जाकर के धर्म पूर्वक संसार में रहो और पति पत्नी दोनों शादी करके दोनों मिलकर के भजन करो। लेकिन नहीं बोलते थे लव मैरिज करने के लिए, उसको लव मैरिज करने के लिए नहीं बोलते थे, बोलते थे पहले नियम क्या होता था अपना वर्ण जाति हिसाब से ही शादी होता था, यही करते थे ना, अपना जहाँ तक शादी नहीं करवाया करते। बोले क्यों कारण किया? बोले कारण है जब कोई बच्चा जिस कुल में जन्म लेता है वो पिता माता की व्यवहार उनकी रहन सहन को देखता था, मेरी मैया पिताजी को साथ में कैसे व्यवहार करते हैं, पिता माता जी को साथ में कैसे व्यवहार करते हैं, भैया भाभी को सब देखता था, देखते देखते सीखता था। इसलिए जब अपना वर्ण जाति में जाता था यहाँ पर सीख कर गया ना, वहाँ पर भी वही काम करता था, जैसे गुजर जाति, जैसे गुजर जाति, जैसे क्या होता है हम देख लेना, गुजर जाति में पर्दा करते, जेठ से पर्दा करते हैं, ससुर से पर्दा करते कि नहीं, करते कि नहीं तुम लोग? इसलिए देखना जब आप जाति से जाएगी बेटी को देख कर गई ना सारी, मेरी मैया कैसे सबको साथ में रहती थी, वहाँ भी पर्दा करेगी। लेकिन अगर दूसरे जाति में चली जाएगी तो फिर क्या होगा? सब गड़बड़ी गड़बड़ी सड़बड़ी होने शुरू हो जाएगी, लड़ाई होना शुरू हो जाएगी, बोले तू क्या कर रहे हो, ऐसे रहनी चाहिए, फिर तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए नियम है, यही कारण था अपना वर्ण जाति में ही शादी करते थे धीरे धीरे। लेकिन अभी धीरे 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 सब गड़बड़ी सड़बड़ी शुरू होना शुरू हो गया, इसलिए डाइवोर्स फाइवर्स सब उल्टा पुल्टा जहाँ तहाँ शुरू हो गया। कारण है हम लोगों ने ये वर्ण आश्रम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए बोलते जाओ घर गृहस्थ करो, अपना वर्ण जाति में ही शादी करना, शादी करके क्या करना? आप लोगों ने शादी किए हो? कौन कौन शादी किए हो? हाथ उठा, शादी किया। देख एक चीज को समझो, जब जैसे गुजर घर जाति में जब शादी किए, कभी तुमने पति को देखने के लिए गई थी शादी से पहले? नहीं गई। पति कभी तुमने देखने आई थी? नहीं आई, नहीं आई थी। पिता माता ने जहाँ पर तुम्हें शादी करा दिया, आप देखना बेटी बेटा आंख बंद करके वहीं पर शादी कर लेते हैं और जिंदगी भर इनकी बीत जाती है, जिंदगी बीत जाती है। लेकिन अभी ऐसे नहीं हो रहा है, बेटी की फटा दिखा नहीं, ऐसे नहीं काली से गोरी तो नहीं दिखा दिया, कितने फीट लंबी है, कितने छोटी है, पढ़ाई कितने की, देखो ना अभी कितने विचार करके शादी कर, तभी नहीं टिकती, तभी भी नहीं टिक रही ये सब शादी करती। इसलिए पहले हमारी जो संस्कृति थी ना वो संस्कृति पक्की संस्कृति है, जब तक ये संस्कार संस्कृति रहेगी समझना संसार में शांति सुख रहोगे। जितने वेस्टर्न कल्चर ये विदेशी कल्चर आ रहे हैं, मैं तो सब जगह में जाता हूँ, सब जगह में जाता हूँ, 2-3 साल में इतना गड़बड़ी,
दो तीन शादी में एक गड़बड़, क्योंकि पिता माता की मर्जी से शादी नहीं किए, अपने आप लव मैरिज कर लिया। इसी में कहता आई लव यू, कुछ दिन बाद में आई लीव यू, फिर कुछ दिन बाद में आई फील यू, फिर जाकर के कोर्ट में डाइवोर्स भी नंबर लगाते। इसलिए यहाँ पर देखो सबसे क्या दिया है। इसलिए गुरु जी कहते थे भैया अपना संसार में जाओ, घर गृहस्थी बैठाओ, ठीक से अपना संसार को कर्तव्य को पूरी करो। लेकिन कब तक? बोले 50 साल तक, उसको बाद में मना कर देते थे। इसलिए देखना यहाँ पर जो अंक आती है ना, 50 शुरुआत में एका बन, बा बन, चौ बन, ये बन 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 शब्द आता है, घर में नहीं बन, वृंदावन जा भजन करो। 50 साल घर गृहस्थी हो गया, बच्चे बड़े हो गए, घर में बहू आ गई, जान बूझ करके टांग गड़ा कर मत रहा करो, नहीं तो बहू को साथ में लड़ाई चाबी का नहीं लेकर ना सास बहू में लड़ाई, ससुर में फिर लड़ाई होगी। इसलिए इसको दो और जाओ वृंदावन में और भगवान की सत्संग सुनो और भगवान की भजन करो। इसलिए ये जो परिजन बाबा थे, और देखो एक चीज समझो, अगर तुमने 50 साल के बाद में भले ही अगर तुम नहीं जा पाए, ऐसे कोई परिस्थिति नहीं बना, अरे कम से कम घर में तो रहकर भजन करो ना, दिन भर टीवी खोल कर बैठो, बहू सास में लड़ाई झगड़ा बिना कारण के घर में अशांति करो, भगवान की माला लेकर भजन करो ना, भगवान की भक्ति करो, भगवान की कम से कम वृंदावन नहीं पा जाकर घर में तो भजन करो ना, दिन भर स्मार्टफोन और टीवी लगा कर बैठ रहो। इसलिए भैया ये जीवन मुक्ति की दरवाजा पर पहुंचे हैं, ये जीवन प्रभु बारम्बार नहीं देते हैं। रामायण कौन कौन देखे हो? रामायण अब रामायण देखे होंगे, जिस समय दशरथ महाराज एक दिन शीशा में अपना सूरत देखा, देखा एक दो बाल पकना शुरू हो गया, तब उन्होंने बोले नहीं और नहीं रहने चाहिए, ये वार्निंग आ गया, ऊपर से खबर आ गया, बाल पकना मतलब क्या, ऊपर जाने का समय आ गया। इसलिए बोले राम तुम्हें राज्याभिषेक करके हम जाना चाहते, वानप्रस्थ जाना चाहते, अब टीवी में सब देखे होंगे, इस हमारी आदर्श है, हैं? इसलिए परिजन महाराज ने 5 बच्चों को बुलाए, बोले बच्चों तुम लोग बड़े हो गए, तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए अभी हम दोनों पति पत्नी अभी हम वृंदावन में भक्ति करना चाहते हैं, कि राज्य को तुम संभालो, हम जा रहे हैं भजन करने के लिए। इतने में जो सबसे बड़े बेटे को बोले राज्याभिषेक करेंगे, लेकिन एक बड़ा बेटा ने कहा पिताजी जद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का योग्य मेरे में नहीं, ये बीच जो संतान नंदक है, क्योंकि इनके अंदर में सब प्रजा को पुत्रवती देखता है, हैं? इसलिए इसको ही आप राज्याभिषेक कर दो, सब प्रजा खुश हो गए, ये बात सही है। इसलिए उन्होंने नंद बाबा को राज्याभिषेक करके इन्होंने भजन करने के लिए इन्होंने जब जा रहे थे, बच्चों ने इनसे कुछ प्रश्न किया, बोले पिताजी हमारे कुछ उत्तर प्रश्न का उत्तर दे करके जाओ, बोले बताओ क्या प्रश्न है, बोले पहला प्रश्न है भगवान ये जो मानव शरीर हमें दिया है ये जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जीवन का लक्ष्य क्या है। तब परिजन बाबा ने बताया ये जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति है, अगर ये जीवन पा करके भगवत तुमने प्राप्ति कर लिया समझना ये जीवन पाना तुम्हारी सार्थकता हो गया। लेकिन अगर प्रभु की प्राप्ति में ही आप भले ही सारा दुनिया की सारे कर्तव्य को आपने ठीक ठीक पालन किया लेकिन ये प्रभु की प्रेम ही जीवन में नहीं मिला तो ये जीवन का सब कुछ करते हुए ये जीवन तुम्हारी बेकार है, ये जीवन किसी काम की नहीं। देख लेना आप लोग घर गृहस्थी करते हो, देखना जब कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है ना उसको कहते बेटा क्लास 5 किसी तरह से पास हो जाओ ना, बस बेटा पार है, क्लास 5 कर दिया, बोले बेटा जब 10th आता है, बोले बेटा 10th बढ़िया से करो, अच्छे से कर दो तो बस बच्चा अभी 10th कर लिया, बोले दुनिया करता है। 12th जब आता है बोले बेटा सबसे ये 12th महत्व, उसके बाद में कौन सा कोर्स लोगे, कौन सा कॉलेज में एडमिशन होगा निर्भर करता है, बच्चा 12th भी अच्छे तरह से कर देता है। बोले भैया सारा दुनिया 12th करता है, कोई सब्जेक्ट लेकर के पढ़ो, इंजीनियरिंग नहीं डॉक्टर नहीं तो कुछ विषय लेकर पढ़ो, जब उसको पढ़ाई कर देता है ना कहते भैया दुनिया करता है, किस लिए तुमने इतनी लिखाई पढ़ाई की है, नौकरी के लिए ना, अभी नौकरी ढूंढो, जब नौकरी ढूंढ लेता है बोले दुनिया नौकरी करता है, इतने पढ़ाई लिखाई नौकरी क्यों किया, शादी के लिए भी किया ना, किसी अच्छी छोरी मिल जाए शादी बढ़िया जगह पर हो जाए इसलिए तो किया, बोले बोले शादी कर लो,
शादी कर लेता है। जब शादी कर लेता है बोले दुनिया शादी करता है, तू कौन सा पारिवारिक काम किया, बच्चे जन्म देते बच्चे जन्म देता है। जब बच्चे जन्म देता है बोले दुनिया बच्चा जन्म देता है, तुमने कौन सा पारिवारिक काम किया, बच्चों को पढ़ाई लिखाया गया। उसको बाद में बच्चे को शादी करवाओ, फिर उनका बच्चे हो, देखना ये करते 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 जब जीवन बीत गया, पूरा जीवन चला गया, देखना जब वो व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना, जब चार व्यक्ति इसको कंधे पर ले जाते हैं, आप सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोले देख बेटा जो शरीर छोड़ा दिया ना ऊपर ले जा रहे हैं, उसको सुनाते बोले देखो मैंने तुमको जो हमने बताया था क्लास फाइव कर लो, टेंथ कर लो, ट्वेल्व कर लो, इंजीनियर डॉक्टर कर लो, शादी कर लो, तेरे को हमने धोखा दिया था, तेरे को हमने धोखे दिए, लेकिन असली ज्ञान अभी दे रहे हैं, असली ज्ञान तुमको दे रहे हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात होता है। अगर जीवन में राम और कृष्ण के नाम तुमने किए है तब तेरे साथ में वही जा रहा है, और तुमने जो कुछ जीवन में किए है सब कोई बात झूठ है बेटा, हमने तुमको धोखे में डाले थे, धोखे में रखे थे, यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रहा है। जिस पत्नी तेरे साथ फेरा लगा कर शादी किया ना, वो दरबरा तक जाएगी, उसको आगे नहीं जाएगी, जो परिवार शमशान तक जाएंगे उसको आगे कुछ भी साथ में जाने वाले नहीं, साथ में क्या जा रहा है, जिन्हें विवाह कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोल कर दी मेरे सदा गुरु, कृपा करे अपना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए विवाह कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जीवन में क्या मिला है, बोले जितने राम कृष्ण का नाम लिया वही मिला, और जगह में सवाई कबाई। इसलिए परिजन महाराज को प्रश्न करने पांच बेटे, बोले पिताजी ये जीवन जो ठाकुर ने दिया है ये जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए ये मानव शरीर दिया है, बोले बेटे अगर ये जीवन 84 लाख जन्मों के बाद मिला, इसी जीवन में ही प्रभु का भक्ति हो सकती है, अगर ये जीवन पा करके तुमने प्रभु की प्रेम को प्राप्त कर लिया, जीवन में तुमने भगवत प्राप्ति कर लिया, समझना जीव तुम्हारे जीवन धन्य हो गया तुम्हारे जीवन। बोले पिताजी ये बताओ जीवन में हमें रक्षा करने वाले कौन है, कहते जीवन में हमें रक्षा करने वाले संत लोग हैं, ये लोग हमें मार्ग यही दिखाते हैं, भक्ति के मार्ग यही दिखा करके हमें, इसलिए कहते ना बिनु सतसंग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ नाश होई। बोले बच्चों यही संत लोग ही हमारी मार्गों को दर्शन कराते, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किया और परिजन महाराज सारे उत्तर दे करके दोनों पति पत्नी चले गए अपना भजन करने के लिए, उन्होंने चले गए। अभी चार बच्चों का तो संतान है लेकिन नंद बाबा का घर में कोई संतान नहीं, बड़े दुखी है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे दान पुण्य यज्ञ बहुत कुछ उन्होंने जीवन में किया लेकिन घर में कोई संतान नहीं हुई। एक दिन एकादशी आई, जो एकादशी का नाम थी पुत्रदा एकादशी। दोनों पति पत्नी विचार कर रहे हैं हमने तो जिंदगी में बहुत बार व्रत किया है लेकिन अभी तक हमने ये पुत्रदा एकादशी नहीं की। पुत्रदा एकादशी मतलब क्या, जो एकादशी करने से घर में पुत्र संतान की लाभ होती है। बोले चलो हम दोनों पुत्रदा एकादशी करते हैं। जब उन्होंने पुत्रदा एकादशी किया ना, ब्रह्म मुहूर्त में सुंदर दोनों ही स्वप्न देखा। अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखते हैं कहते करी करी वो स्वप्न सही होता है। देखो उन्होंने क्या स्वप्न देखा, बोले श्यामा चंचल जारु दीर्घनयना बालस्तवांत स्थली पयोधार स्फुट मसौ क्रीड़ान्मयां लोक्यते। उन्होंने ये स्वप्न देखा, क्या देखा स्वप्न, देखा आकाश में दो संतान, एक श्याम रंग का और एक चमचमाते हुए एक बिजली जैसे बड़ी सुंदर लड़की और श्री कृष्ण, दोनों को उन्होंने स्वप्न देखा। ये दोनों नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया और नंद बाबा के हृदय से उन्होंने श्री जसोदा के हृदय में प्रवेश किया और दोनों की आँख खुल गई। आँख खुल गई तो इतने में नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे
मेरे को ब्रह्मा मुहूर्त में बड़ा सुंदर स्वप्न दिखा। मैया बोले मेरे को भी बड़ा सुंदर स्वप्न दिखी, पहले आप बताओ क्या देखे। नंदा हुआ बोले मैंने देखा तेरी गोद में, इसका थोड़ा इको काम कर दो प्रॉब्लम, मैंने देखा तुम्हारी गोद में बड़ा सुंदर एक श्याम रंग का बालक तुम्हारी स्तन पान करते समय उनको दोनों धार से दूध बहते हुए उसको कुर्ता दिख रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा, देखा सचमुच से तेरी गोद में एक श्याम रंग का बालक पौड़ रहा है। मैया बोली मेरे स्वप्न देख लो, बोल देख सुन लो, बोले बताओ। बोले मैंने भी देखा मेरे पीछे एक सुंदर श्याम रंग का बालक मैया 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 करते करते पीछे आ रहा है और कपड़े पकड़ करके बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को दूध पिला दे। वो मचल रहा था, मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से वही बालक है। और उसी रात को ही मैया ने गर्भ धारण की और पूरा ब्रज में हल्ला हो गया। भैया हमारे देश के राजा जन्म लेने वाले हैं, मैया जसोदा लाला जन्म लेने वाले ले। ए ब्रज में जितनी गोपियां थी ना वो छह छह महीना पहले चौरासी चौरासी गज की लहंगा चुंदरी बना करके बड़ी सुंदर अलंकार को बना करके रखती। बोले नंद के घर में लाला होगा तो हम पहन करके बधाई देने जाएंगे। और जितने गोप लोग थे ना बड़ी सुंदर धोती बगल बंदी टोपी बना करके रखी। बोले हम भी इसको पहन करके लाला को बधाई देने जाएंगे। अरे ब्रज में जयजयकार हो रहा है, क्यों ठाकुर जी जन्म लेने वाले हैं। अभी मैया जसोदा को अंदर में जैसे गर्भ धारण करने से जो लक्षण है कुछ कुछ लक्षण दिखता है। देखो माता ध्यान देकर सुनो, एक तो संस्कार होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार उसको कहते हैं जब माताओं की पेट में बच्चा है। अगर उसी समय में आप गीता पढ़ोगे रामायण पढ़ोगे भागवत पढ़ोगे ना तुम्हारे पेट में भी वो बच्चा बैठी बैठी सब सुनता है। आप देखना वो बच्चा इतने संस्कारी बनेगा, इतने बड़ा बनेगा तो तुम सोच नहीं सकते हो। अब रामायण देखे होंगे जब माता सीता गर्भवती थी एक समय अपने आप अयोध्या में बड़े बड़े संत लोग आए राम दरबार में सत्संग हुई और यहाँ पर भगवान राम सीता को आसन देकर बैठाए। बोले सीते अभी तुम्हारी गर्भ में बच्चा है, अगर इसी समय तुम सत्संग सुनोगे तुम्हारे बच्चे बड़े संस्कारी बनेंगे। आप लोगों ने देखना लव कुश कैसे हुए, क्या सुंदर भजन गाते थे, राम की कथा सुनाते थे, क्या बलवान बने, हनुमान को सुग्रीव को लक्ष्मण को सबको धराशाही कर दिया इन लोगों ने, क्या भजन गाते थे, भगवान राम को राम कथा सुनाए। कारण किया वो गर्भ में रहते समय उन्होंने सत्संग सुने। प्रहलाद का कथा सुने हो, जब प्रहलाद ने बड़ी दिव्य ज्ञान बच्चों को दिए बच्चों ने कहा प्रहलाद हमारे गुरुदेव संधा पर गए हैं लेकिन तुम जो इतनी सुंदर सुंदर बात बताते हो लेकिन हमारे गुरु जी को सुनाए नहीं, तेरे को ये सब बात कहाँ से मिली। बोले मेरे गुरु थोड़ी ये है, मेरे गुरु तो नारद है। जब मैं माँ के पेट में था उसी समय मेरी मैया नारद जी के आश्रम में रहे और मेरी मैया को नारद जी बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर को कथा सुनाए और मैया स्त्री होने के नाते सब भूल गई लेकिन मैं पेट में बैठी बैठ कर सब सुन लिया, इसलिए मेरे जो गुरु जी ना वो नारद है। अब महाभारत देखे होंगे, कौन कौन महाभारत देखे हो, सब देखे हो। जब महाभारत युद्ध होने जा रहा था द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचना की लेकिन एक अर्जुन का सिवाय कोई नहीं जानते, लेकिन अर्जुन नारायण सैनिक को साथ में युद्ध करने के लिए चला गया। अभी कौन इसको भेद करेगा, अभिमन बताया मैं जानता हूँ। बोले तू तेरे को किसने सिखाया, बोले मैं जब अपना माँ सुभद्रा का पेट में था एक दिन मेरे पिता माता जब सो रहे थे अर्जुन और मेरी माँ, इतने मेरे मैया अर्जुन मेरे पिताजी से पूछा बोले ये चक्रव्यूह क्या होता है। फिर अर्जुन ने सोते सोते मेरे मैया को सुनाया कैसे चक्रव्यूह को भेद करोगे, कैसे निकलना चाहिए बताना जा रहे थे, मेरी मैया सो गई फिर मेरे पिताजी सुनाए नहीं, इसलिए मैं पेट में बैठे बैठे सब सुन लिया। समझ रहे हो, अगर तुम्हारे पेट में बच्चे हैं आप देखो रामायण गीता भागवत पढ़ो वो बच्चा इतने संस्कारी बने को तो सोच नहीं सकते। अगर पेट में बच्चे रहते समय डिस्को डांस तुमने देखी, गंदी गंदी फिल्म तुमने देखी, देखना वो बच्चा डाकू बन करके निकलेगा गर्भ से, वो डाकू सीधा बन करके निकलेगा। अक्सर करके इसी समय में सबको पूछो बच्चा बात नहीं सुनता है, बच्चा एक ही समस्या, कारण क्या, पेट जब तुम्हारे बच्चा था ना तुमने गड़बड़ी बहुत किया है,
उल्टा पुल्टा खाई, उल्ट पुल्टा सुनी, उल्टा पुल्टा देखी, उस बच्चे के ऊपर संस्कार पड़ करके आया। ये सब माता के ऊपर में निर्भर करता है। इसलिए मैया यशोदा जब गर्भ धारण की हुई थी ना, वो रामायण सुन रही थी, भगवान की सुंदर सुंदर तस्वीर दिखाया जा रहा था, भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुनती थी। क्यों? गर्भ में बच्चा, अभी गर्भ में बच्चा है। इसलिए अभी गर्भ में जब बच्चे रहते हैं, देखना माताओं को चटपट चीजें अच्छी लगती हैं। मैया बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा हो रही है, बड़ी सुंदर गैया घी से दूध से खीर बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाई नारायण को, और उन्होंने मैया यशोदा को खीर खिलाई। एक बड़ी बूढ़ी गोपी बोली मैया लगता है तेरे पेट में लाला होने वाला है। बोले तेरे को कैसे पता चलो? बोले तेरे जो होठ है ना वो पीली पीली दिख रहे हैं, अगर होठ अगर पीला दिखे तो कहते बेटा होने वाले हैं। एक बड़ी बूढ़ी गोपी बोली बोले जब तू कुंवारी थी जुड़ में केले तो नहीं खा ली थी? बोले क्यों? बोले लगता है तेरे पेट में दो बच्चे। बोले दो बच्चे? वो डर गई, पहला बार बच्चा आ गया, अगर कोई बोले दो बच्चा हो जाए डर गई। बोले कोई चिंता मत कर, राम जो करेगा अच्छा ही करेगा, इसलिए कोई चिंता मत करो। और मैया बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनती है। आज ऐसे लग रहा है आज ही घर में बेटा की जन्म हो जाएगा हैं? इसलिए बोले एक काम करो, पता नहीं रात में बच्चा जन्म नहीं हो जाए, रात को 8 बजे तक देखना गांव में क्या करते थे, 8 बजे तक खा पी करके सो जाते थे, पहले तो लाइट नहीं होती थी, और जल्दी 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 सवेरे उठ करके गीता रामायण भजन करते थे हैं? पहले नियम यही था, 8 बजे तक सब सो जाएंगे। एक काम करो, 2 घंटा 2 घंटा ड्यूटी लगवा दो गोपियों को, ढोलकी दे दो, मजीरा दे दो और चिमटा दे दो, सबके सब ठाकुर का कीर्तन करते रहे। इसलिए सबको पकड़वा दिया, और जितने गोपियां थी ना बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 रामायण हरि गोविंद जय जय रामायण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय रामायण हरि गोविंद जय जय रामायण हरि गोविंद जय जय। सब कीर्तन कर रहे थे, लेकिन जिनको 10 बजे तक कीर्तन की, लेकिन 10 बजे तक जिनको ड्यूटी में लगाई ना, जोग माया आकर के सबको सुला दी, कहा चिंता की कहा भुलकी गिरी, सब हाथ पैर फेंक कर सो गए। लेकिन कब श्री वसुदेव महाराज आए मथुरा से बेटे को लेकर के, लेकिन जो यहाँ पर कहते मैया यशोदा ने 2 संतान जन्म दिए, एक तो कृष्ण को पहले दिए, उसके बाद में जोग माया 2 बच्चे जन्म हुए। अभी प्रश्न होता है यहाँ पर 2 बच्चे जन्म हुए, लेकिन वसुदेव महाराज भी मथुरा से एक कृष्ण को लेकर के आए। अभी कृष्ण कितने कृष्ण हो गए बोलो, बोलो कितने कृष्ण हो गए? 2 कृष्ण हो गए ना, बोले एक कृष्ण फिर कहाँ गया? ये चीज अच्छे तरह समझो, जो गोकुल में जो कृष्ण हुए वो पूर्ण कृष्ण हुए, लेकिन मथुरा में जो कृष्ण वो अंश कृष्ण हुए। लेकिन जब उन्होंने अंश कृष्ण को लाए, अंधकार था मैया की गोद में, एक कृष्ण और एक जोग माया थी, वो जो मूल कृष्ण वो अंश कृष्ण को मिला दिया। लेकिन वसुदेव महाराज क्या सोचे, मैंने अपना बेटा रख करके बेटी को ले आए, इसलिए कृष्ण को नंद बाबा भी सोचते थे मेरा ही बेटा है, लेकिन देव वसुदेव महाराज क्या सोचते थे, बेटा मेरा, ये दोनों ही बेटा मानते थे कृष्ण। क्यों? कृष्ण सचमुच से दोनों का ही बेटा बन करके कृष्ण आए हैं, कृष्ण का ही बेटा बन करके आए। देखना आप लोग पुलिस का प्रमाण क्या, की चीज को समझ लो। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे कोई भी ब्रजवासी कभी नहीं मानेगा कृष्ण वसुदेव का बेटा। बोले क्यों? आप लोग बैठे बच्चे जन्म दिए होंगे, देखना जब बच्चे माँ जन्म देती है, पेट की माँ की पेट को साथ में बच्चा का नाड़ जो होता है ना, वो नाड़ जुड़ी रहती कि नहीं? और कुछ बड़ी बूढ़ी गोपियां नाड़ को काटती कि नहीं? काटती है। ब्रजवासी लोग कहते हैं हमने देखा, हमने आंखों को सामने मैया यशोदा जन्म दिया, हमने आंखों से ही देखा और नाड़ को हमने काटी, माँ के पेट में जुड़ी रहती ना, तभी तो नाड़ काटी जाती है। और नियम है
नार काटने से पहले जो दान है ना, ये दान को श्रेष्ठ दान बताया गया। नार कटने के बाद जो दान इतना महत्व नहीं, इसलिए हमने नार को काटी हम कैसे मान सकते हैं कृष्ण मथुरा में नहीं। इसलिए कृष्ण कहाँ जन्म हुए, गोकुल में जन्म हुए। इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की है। इसलिए कहते वहां पर क्या हुई, अभी कब अदला बदला किसको पता ही नहीं चला। जब पता ही नहीं चला इतने में जो सुनंदा थी, सुनंदा कौन थी, नंद बाबा की बहन, वो तो 6 महीना पहले आकर घर में जम करके बैठी गई। क्योंकि देखा भाभी जन्म देने वाले बच्चा, जब भाभी जन्म देखना क्या होगा, मेरे को 9 लाख की हार मिली, इसलिए पहले आकर जम करके बैठ गई और घर का सारे काम काज को भाग भाग करके सारे काम काज को कर लेगी खुश होकर के 9 लाख की हार की चक्कर से। लेकिन सबके सब सोए पड़ी हुई, उसको तो चैन नहीं, क्यों बेटा होगा तो 9 लाख की हार मिलेगा। सबसे पहले सुना था कि आँख खुली और देखा सब अचेत होकर पड़े हुए, जो माया ने खुला दी। लेकिन जाकर देखा भैया भाभी क्या किया हालत है, वो दरवाजा खोल करके देखा है ना, मैया जसोदा की गोद में चमचमाते हुए एक नील मणि जैसे बालक किलकारे मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया भाभी की कब बच्चा हो गया पता ही नहीं पड़ो भैया। ये सबसे इसने किया कि एक वहां पर कांसा को ले ली, थाली लेकर के ना बड़ी जोर जोर से बजाए, बोले भैया जग जाओ नंद के लाला भयो है, बोले नंद के लाला की। सबको जगा दिए, बोले भैया सबसे पहले नंद भैया को तो खबर दे, तभी तो 9 लाख की हार मिलेगी। लेकिन नंद भैया कब ढूंढो, ढूंढते ढूंढते देखा वो तो ब्रह्मांड घाट में, वहां पर बड़े बूढ़ों को बीच में बैठ कर माला जप कर रहे थे। वो माला जप नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में छोड़ा कब आएगा, लाला कब आएगा, छोड़ा कब आएगा, यही बोल रहे थे। इतने में सुना था जाकर के बोले भैया कमाल है गए, इतना सुनते ही नंद बाबा तो छलांग लगा दिया। बोले बहन कहा भयो है, बहन कहा भयो है। बोले भैया पहले ये बताओ, 6 महीना पहले से बैठी हूँ, पहले ये बताओ मिलेगा क्या। बोले ले 9 लाख की हार ले ले, इसी मार्ग बैठी हुई हो। बोले भैया और क्या दोगे, बोले 9 लाख की हार दे दिया ना, और क्या चाहिए। बोले भैया तुमको पता है बात कितने बड़ी, बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है, और क्या दोगे। बोले ले वो जमुना किनारे में जितने जमनी जगाते हैं ना कैया चलते हैं, तेरे नाम पर सब लिखा गया, सार जमनी का मालिक बन गया। बोले और क्या दोगे, बोले दे दिया ना और क्या। बोले भैया बात बहुत बड़ी है और क्या दोगे बोलो। बोले ले ट्रेजरी का सारी चाबी कट के दे दे, जो इच्छा तुम खोल करके ले जा, लेकिन बता तो भैया घर में कहाँ भैया है। बोले भैया तेरे घर में लाला के लाला की। नंद बाबा उनसे दौड़ लगाए, जितने बड़े उड़े थे, बोले भैया जीवन में पहले बार लाला का मुख दर्शन करोगे, कम से कम सब धज कर कर जा। बड़े सुंदर बगल बंदी धोती पहना दिए, टोपी पहना दिए, तिलक लगा दिए, गले में सुंदर फूलों की माला पहना दिए, बोले जा अभी जा करके लाला को दर्शन करो। नंद बाबा कितने तपस्या, कितने दान, कितने पुण्य किया, अभी करते करते अभी वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए लाला की मुख दर्शन के लिए। जब उन्होंने पहला बार लाला का मुख दर्शन किया, इतने खुश, इतने प्रसन्न हुए, बोले जितने ब्राह्मण संतों को तो 20 लाख गैया में दान दूंगा, सीन को सोने में बढ़वा करके, फूल को चांदी में बढ़वा करके, और 7 तिल का पर्वत, तिल का दान बहुत बड़ा दान मानी जाती है, इसलिए 7 तिल पर्वत दान करूंगा। भैया पहले संत ब्राह्मण को बुलाओ, क्योंकि इनके आशीर्वाद से आज घर में लाला भयो है, पहले इनके आशीर्वाद से बच्चे को दो। सबको बुलाया, जितने ब्राह्मण संत स्वस्ति वाचन पढ़ करके बच्चे को आशीर्वाद दिए, बोले स्वस्ति न गोविंद, स्वस्ति न अच्युतानंद, स्वस्ति न वासुदेव विष्णु दधातु, स्वस्ति स्वस्ति सुमंगल केशव महान श्री कृष्ण सचिदानंद घन। बड़े सुंदर स्वस्ति वाचन पढ़कर के लाला को आशीर्वाद दिए। नंद बाबा बोले एक काम करो, पूरा ब्रज में ढिंढरा पिटवा दो, नंद के लाला भयो सबके सब ब्रजवासी स्वागत करने के लिए आए। वो पहले तो बैठी लेती गोपियां, वो 84 गज की लहंगा चुंदनी,
पहन करके सारे अलंकार को धारण करते हुए दूध दही तीन चार मटकियों में दूध दही मिश्री लेकर के घी लेकर के सबके सब गोपियां और ब्रजवासी बगल में भी धोती पहन करके स्वागत करने आ रहे हैं। जब आ रहे थे ना कान्हा में सुंदर कुंडल पहन रखी थी, वो कुंडल बड़े जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों हिल रहा था? बोले तुम लोग पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो, पहले हम कृष्ण को दर्शन करें। उनको चोटी में जो फूलों की माला थी वो एक एक गिरते गिरते इतनी चरण गिर रहे थे। बोले क्यों? बोले जो लोग कृष्ण को स्वागत करने के लिए जाती है उनकी चरण की हमें पूजा करनी चाहिए। उनको बड़े सुंदर अलंकार पहन करके स्वागत करने जा रहे थे। जितने गोपियां थी ना मैया जसोदा को बधाई दे रही थी। देखो मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो, बधाई हो, जोर से बोलना। बोले मैया जसोदा बधाई हो। मैया बड़ी खुश हो गई, खुश होकर बोले बधाई हो बधाई हो ब्रज की गोप गोपियों, क्योंकि ये बुढ़ी उम्र में हमें लाला को मुख दर्शन करने को मिलो है। ये लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम्हारी है। और जितने गोपियां हैं ना हृदय से लाला को आशीर्वाद दे रही थी। बोले जुग जुग जी और सब ब्रजवासी आशीर्वाद दे रहे। देखो अच्छे तरह से समझो, नियम है सवेरे उठ करके अपना पिता माता की चरण छूनी चाहिए, सवेरे उठ करके अपना सास ससुर की चरण छूनी चाहिए। आप देखना आप जिसको चरण छोएंगे ना उनके हृदय से अपने आप आशीर्वाद निकलेगा कि नहीं। एक दुश्मन क्यों नहीं हो, आप देखना उनका चरण छू लो हृदय से आशीर्वाद निकलेगा ही। और जो बड़े गुरुओं का जो आशीर्वाद निकलती है ना वो एकदम फलती बुनती है। कभी कभी तो ब्रह्मा जो यहाँ लिखा हुआ ना उल्टा पुलटा चीज, कभी कभी पिता माता की आशीर्वाद से वो भी नष्ट हो जाती है। इसलिए क्या करो सवेरे उठ करके, इसलिए भगवान राम क्या कहते थे, बोले प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु न महिमाथा। ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले दशरथ महाराज कई कई सुमित्रा की चरण छूते थे ठाकुर जी है। और जो बहुओं को बहुए सुन लो, यहाँ पर कौन कौन बहुए बैठे हो, हाँ बहुए सुन लो, बहुएं भी सवेरे उठ करके किसकी चरण छूओगे बोलो, कुछ बोलिए। सास ससुर की चरण छूनी चाहिए, इनकी चरण छूने का भी बड़ा महत्व है। देखो क्यों क्या महत्व है, अगर किसी व्यक्ति के तीन में चार बच्चे हो, चार बच्चे हो, देखना जो बहू सास ससुर की चरण सेवा करते हैं उनकी चरण छूती है ना घर का जितने संपत्ति किसको पास में, जितने सोना चांदी किसको पास में, वो सास ससुर के पास में। देखना जो बंटवारा होती है ना, जब बंटवारा होगी देखना जो बहू सास ससुर की ज्यादा सेवा करती है, आप देखना सास क्या करेगी, वो उठा करके जो बहू ज्यादा पहले ही बंटवारा होगी ना वो पहले ही उठा करके बहू को दे देगी, क्यों वो सेवा करती है ना, वो सेवा करती है। देखो लाभ ही लाभ, उसमें कोई नुकसान नहीं है। एक तो बड़े बूढ़ों को आशीर्वाद मिलेगा और दूसरी चीज क्या मिलेगा, तुमको भक्ति मिलेगी, फिर जगत का धन दौलत मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठ करके पिता माता सास ससुर की चरण छूनी चाहिए। लेकिन कभी कभी संसार में क्या होती है ना, सास बहू कभी कभी लड़ाई हो जाती है, अक्सर करके सास बहू की लड़ाई बड़ी पुरानी लड़ाई है। लेकिन इसमें एक काम करनी चाहिए, क्या है, जो सास को ना वो सास नहीं माने, सास को अपना माँ माने। क्या माने? सास को अपना माँ माने और बहू को क्या माने, बहू नहीं माने, क्या माने, बेटी। बात सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन कभी कभी सास गड़बड़ी करती है, जानते सास क्या गड़बड़ी करती है, सास ये गड़बड़ी करती है
अपना बहू को ना वो बहू मानती है, बेटी नहीं मानती, लेकिन वो क्या करती है, अपना बेटी के लिए तो खूब करेगी, छुपा छुपा करके सामान भेजेगी, बेटी के लिए सब करेगी, लेकिन कहीं भी जाए बेटी को ध्यान रखती है, लेकिन अपना बहू को ध्यान नहीं रखती है, हाँ अपना बहू को ध्यान, इसकी गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए नियम क्या, सांस लो अच्छे तरह समझो, सांस जैसे बेटी को जैसे प्यार करती हो, कभी अगर तुम नाना नानी बनोगे ना तो बेटी की वजह से नहीं बनोगे, बहू की वजह से बनोगे। अगर तुम्हारे खानदान को कौन रखा करेगी, बेटी रखा करेगी ना बहू रखा करेगी, बहू बहू से ही रखा होगी। इसलिए बेटी को जैसे प्यार करती हो, बेटी को जैसे लाड़ लड़ाती हो, उसके लिए ध्यान देती हो, अपना बहू के लिए भी करोगे ना, बस खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी झगड़ा सब। इसलिए यहाँ पर जितने ब्रजवासी क्या कर रहे थे, सबके सब हृदय से आशीर्वाद दे रहे थे, हैं आशीर्वाद कितने में जब आशीर्वाद दिए, सबके सब आ गए। अभी केवल दो व्यक्ति नहीं आए, एक वृषभानंद महाराज और कृतिका मैया नहीं आए, ये आए तो उत्सव शुरू होगा। देखते देखते कृतिका सुंदरी और श्री वृषभानंद महाराज रातरा कराधानी की पिता माता जब प्रवेश किया, इतने में अभी उत्सव शुरू होगी। कृतिका मैया बड़ी सुंदर सर धज करके दूध दही मक्खन घी लेकर के आई थी। एक गोप ने किया क्या, मटकी लेकर के डंडा लेकर को मटकी को मारे, मटकी को मारते ही मटकी फूट गई और दूध दही से कृतिका मैया तो स्नान कर ली। जब स्नान कर ली, एक होता है दधिकादी, दधिकादी मतलब दही में हल्दी और उसमें घी मिला करके एक दूसरों को ऊपर लगाते हैं, ये मंगलबाजी है। एक दूसरों को ऊपर लगा रहे थे और इतने दही वहाँ पर लाए थे, गिर कर खींच खींच हो गया, एक दूसरों को ऊपर में फिसल फिसल कर गिर रहे थे और एक दूसरे को धक्का मार कर गिरा रहे थे, जैसे होता है ना खेलते हैं, ऐसे सारे ब्रजवासी दूध दही से लोटपोट होकर के खेल रहे थे। आप बोल रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो अभी नंद बाबा बैठ बैठ कर देख रहे थे, इतने ब्रजवासी थे, बोले नंद बाबा तेरे घर में आज लाला भाई हुए, अरे कम से कम आज का दिन तो नाच लो, इनको पकड़ कर ना ले आए कहाँ, बोले नंद बाबा का आंगन बहुत बढ़िया आंगन थी और इतने दूध दही लाए थे, एकदम लग रहा था जैसे कोई खीर समुद्र बन गया है, हैं खीर समुद्र बन गया है। और नंद बाबा को बीच में खड़े कर दिए, बोले नंद बाबा देखने में कैसे, बोले गौर होकर गौर एकदम जैसे तप्पे हुए सोने जैसे, नंद बाबा बड़े लंबे चौड़े थे, उन्होंने कमर में फेटे को बांध करके रखे थे, एक तरफ में नंदगांव के ब्रजवासी, दूसरे तरफ में बरसाना का ब्रजवासी, दोनों तरफ में पकड़े हुए, ऐसे लग रहा था मानो यहाँ पर खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है। लेकिन जब समुद्र लवण समुद्र मंथन हुई, सर्वप्रथम हलाहल विष निकला, जिसको श्री शंकर जी पान किए तो गले में कंठ में धारण किया, शंकर जी का एक नाम हो गया नीलकंठ महादेव, बोले श्री नीलकंठ महादेव की। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यहाँ पर तो सर्वप्रथम आनंद कंद भगवान स्वयं कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुए,
हैं, और वो जो लवण समुद्र से 14 रत्न निकला, लेकिन ये समुद्र मंथन से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंद बाबा इतने दान दिए, दूध दही इतने सोने चांदी दान दिए, ब्राह्मण लोग तो गठरी बांध बांध कर ले नहीं पा रहे थे, और उसकी कोने से गिरते 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 जा रहा था। ऐसे लग रहा था मानो भगवान गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी अली गलियों में माँ लक्ष्मी नाच रही हैं। वहां पर स्वयं शंकर भी आए थे, नंद बाबा ने 20 लाख गैया दान दिया। शंकर तो चक्कर में पड़ गए, डर गए, बोले क्यों? बोले जब 20 लाख गैया दान दे रहे हैं, मेरे बाहर भी नंदी हो ना हो, ये नंदी को गैया मान करके दान में नहीं दे दो, फिर तो मेरे बाहर चला जाएगा, तो मैं कैसे जाऊँ? उसने तो नंदी को पूछ को पकड़ के खड़े हुए। कहते वहां पर माता पार्वती भी आई थी, कहते ना हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा कितने दान दी। मैया पार्वती भी आई थी, उनको भी 2 बेटे हैं। पार्वती की 2 बेटे कौन कौन? कार्तिक और गणेश, एक गजानन, हाथी का सर जैसे, कौन? गजानन है। बोले भैया इतने हाथी दे रहे हैं, हो ना हो हाथी को देते देते मेरे बच्चे को तो हाथी मांग करके दान में नहीं दे देंगे, मेरे मेरे बेटा चले जाएगा। उन्होंने तो बेटे को गोद में डाली और बड़े जोर से चिपका करके खड़ी हुई थी। वहां पर धर्म गए भी आए थे, वो लज्जित तो हो गए देख करके। बोले क्यों? बोले नंद बाबा आज इतने सोना चांदी हीरे जवाहरात इतने दान दे रहे हैं, मेरे पास में स्वर्ग में भी इतनी संपत्ति नहीं। ऐसे वहां पर नंद बाबा ने दान किए, लेकिन वहां सबके सब नाच रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति नाच नहीं रही थी, दुखी होकर के बैठी थी। बोले कौन है? बोले रोहिणी। बोले ये रोहिणी कौन है? बोले प्रसिद्ध तो भत्रिका। बोले प्रसिद्ध तो भत्रिका का मतलब क्या? बोले जिसका पति दूर देश में हो और जेल में हो, कोई दुख कष्ट में, अगर पति कहीं दुख कष्ट में दूर देश में हो, पत्नी कभी सभी के सामने नाचेगी? कभी नाचेगी नहीं। पति कौन? वसुदेव महाराज। कहाँ पर? मथुरा में। किस रूप में? जेल में। इसलिए कैसे नाचेगी सबके सामने? फिर बलदेव प्रभु जन्म से आंख बंद करके रखे, वो बेचारी बड़ी दुखी होकर बैठी हुई। नंद बाबा देखे भैया सबके सब नाच रहे हैं, लेकिन घर के सदस्य रोहिणी नहीं। बोले रोहिणी जब से तुम ब्रज में आई ना, रोहिणी पहले मथुरा में थी, लेकिन ये बलदेव प्रभु का माँ, बोले जब से तुम ब्रज में आई ना तब से पता नहीं ब्रज में सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है। इतना दिन से तो मेरे बेटा नहीं था, बेटा हुआ, तेरे भी एक बेटा बलदेव प्रभु हुए, मेरे भी बेटे हुए, जब से तुम आई ब्रज में जयजयकार हो रही है। देख रोहिणी मेरे को पता है तेरे पति जेल में, कम से कम लाला को तो आशीर्वाद दोगे। घर में तुम 2 स्त्री हो, एक जसोदा एक रोहिणी है। अभी जसोदा तो बच्चों को जन्म दिया है, कुछ तो काम कर ही नहीं सकती, अभी घर को देखभाल कौन करेगी? तू तो करोगी, जा आ जा आकर के बेटे को आशीर्वाद दिया। उन्होंने ला करके बलदेव प्रभु को कृष्ण को पास में सुला दिया। जब कृष्ण को पास में सुला दिया बलदेव प्रभु तो आंख बंद कर रखे थे, इतने में आंख खोल दिए, अजू खोलेगा सामने देखा कृष्ण को। रोहिणी तो दुखी थी, लेकिन जब देखा लाला ने आंख खोल दिया ना, उसकी आनंद की और सीमा नहीं रही, पास को भी ठुमुक लगाकर वो भी नाचना शुरू कर दी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले रोहिणी च महाभागा, ये जो रोहिणी है ना बड़ी भाग्यवती। बोले क्यों भाग्यवती? कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन मथुरा वासी कोई नहीं ये आनंद को ले नहीं सके, उत्सव का आनंद नहीं लग, किसने लिया? ये रोहिणी लिया। इसलिए कहते रोहिणी च महाभागा, ये रोहिणी भाग्यवती है, सारे नंद महोत्सव का उत्सव का आनंद यही ले रहे हैं। अभी हमारे प्रभु जी एक सुंदर बधाई गाएंगे, कृष्ण गोकुल में जन्म लिए हैं। आप लोग एक बार खड़े होकर के नाच लेना, बैठ बैठ के देखना है प्यार दर्द हो रहा है, एक बार खड़े होकर के सबके सब नाच लो, फिर राधा रानी के जन्म के कथा सुनेंगे, ठीक है? बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले श्री नंद के लाला की जय, जय जय रे राधे। ओ सारे ब्रज में धूम मचे है, I'm gonna go.
के आनंद लेती। जय जय श्री राम। हमारे बीच में एक दीदी है, आपको थोड़ी सी भगवान अवतार की कथा सुनाएगी। ये रहने वाले गणी की रहने वाले हैं, इसने बहुत सारे भक्तों को उन्होंने भक्ति में जुड़े हैं। यह माता जी ना अपना जू में जब लॉकडाउन थी इतने लोग को जू में उन्होंने जोड़ी और कथा सुनाई। बहुत लोगों का हृदय उसने बदला करके भगवान की भजन में लगाया, जो सोच भी नहीं सकते। गुजर समाज में जितने कई कई गुजर समाज उन्होंने जिनको भक्ति में थोड़ी रुचि है ना, इसने बहुत लोगों को उन्होंने भक्ति में जोड़ी है। इसलिए हमारे जो गुरु जी के जो गुरु जी ईश्वर का नाम सुने होंगे, उनका जो प्रतिष्ठा का थे, उनको जो गुरु जी कहते उन्होंने ये बताए, जो माया में फंसे हुए जीव है अगर किसी तरह से समझा बुझा करके एक व्यक्ति को भजन में लगा दो, वो कहते हैं करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल, करोड़ों करोड़ों स्कूल कॉलेज से भी ज़्यादा पुण्य मिलेगा एक व्यक्ति को अगर भजन में लगा दिया। लेकिन ये दीदी ने हम सोच नहीं सकते इतने इतने लोगों को उसने जोड़ी है ना, अब सोच भी नहीं सकते इतने लोगों को जोड़ी। बस से बस लेकर के वृंदावन जाती हैं, तीन तीन बस लेकर के वृंदावन जाती हैं, दर्शन कराती हैं, कथा सुनाती हैं। बहुत बहुत मदद, उनका पति भी यहाँ पर बैठे हुए, ये हर तरह से ये दीदी को हर तरह से इनके पति देव भी हर तरह से उनकी मदद करते हैं। हम इन दोनों के लिए ताली बजाओ। इसलिए हम चाहते हैं अगर आप लोग अगर ऐसे ऐसे दीदी बन जाओगे ना, लगता है ये संपूर्ण पृथ्वी, महाप्रभु खुद कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण विश्व में गली गलियों में शहर शहर में भगवान का नाम गुनगुनाएगा। ये भगवान की भविष्यवाणी, अगर आप भी अगर ऐसे ऐसे टेकिंग बन जाओगे ना, लगता है ये पूरा दुनिया क्या होगा, प्रभु की प्रेम में बन जाएगी, सारी गंदगी छूट जाएगी, दारू कोई नहीं पिएंगे, मांस कोई नहीं खाएंगे, जुआ कोई नहीं खेलेंगे, कोई गंदा काम नहीं करेंगे, घर घर भगवान की धाम बन जाएगी, घर घर भगवान की वृंदावन धाम बन जाएगा। ठीक है ना, आप लोग भी इनसे कुछ शिक्षा लो, समझ रहे हो, तुम लोग जो पढ़ी लिखी से लड़कियाँ हैं कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करना तुम्हारी जो पड़ोसी तुम्हारी जो परिचित लोग हैं उनको भी भगवान की कथा सुनाओ। पहला लाभ तो तुम्हारी होगा, उसको बाद में दूसरों को भी लाभ होगा। अभी दीदी आपको थोड़ी सी भगवान के बारे में भक्ति कैसे करनी चाहिए, घर में रहकर कैसे भक्ति करें। अभी इनकी दो बेटे एक बेटी है, ऐसे नहीं घर में कोई नहीं, दो बेटे इनकी एक बेटी है, सब तो देखते हैं ना, हाँ दो बेटे हैं, एक बहू, इसलिए ये सब कुछ देखते हुए भी सब कुछ ऐसे नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, सब कुछ देखते हुए भी भगवान की ये भक्ति करते हैं। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्य कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद भज हरे कृष्ण 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 हरे 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 देव श्री नित्य लीला ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रीधर गोस्वामी महाराज जो व्यासपीठ पर आसित हैं, इनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात आप सभी वैष्णव वैष्णवरिया भाई बहन समस्त कथा विपासु जनों के चरणों में मेरा यथा योग प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरुदेव का आदेश है कुछ हरि नाम जो लक्ष्मी, उससे पहले हरि नाम गुरुदेव से ले लिया परंतु मन नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है संग, क्योंकि हमारे जीवन में संग का असर बहुत ज्यादा होता है। हम गुरुदेव का संग कर रहे हैं अभी, जैसे सर्दी में
आग आग के निकट बैठते हैं तो सर्दी दूर हो जाती है। जैसे ही अग्नि से दूर होंगे सर्दी फिर से सताएगी। गर्मियों में एसी के सामने है, एसी नहीं गर्मी नहीं सता रही। जैसे ही आप एसी पंखे से बाहर होते हैं गर्मी सताने लगती है। यही गुरुदेव का आश्रय लेने से यही स्थिति हमारी भी है। जब तक गुरुदेव के अनुगत में रहेंगे, अनुगत का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ साथ घूमना है, उनकी वाणियों पर विश्वास, उनकी वाणियों पर जो गुरुदेव कह रहे हैं उन बातों पर संग। जब इस संसार में हम संसारिक लोगों का संग करते हैं तो उन संसारी लोगों का संग हमारे ऊपर बहुत असर डालता है। अभी हमारे रिश्तेदारों में कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बड़ा चतुर है, कोई द्वेषी है, कोई प्रेमी है, हर प्रकार के लोग हैं। हम जिसके साथ रहते हैं वैसे ही हमारा मन होने लगता है। ये हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। जैसा आप सभी देखेंगे, जैसा करोगा संग, जैसे का करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए संग सदैव। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि संग इस एक परिवार में यदि एक कोई भक्त है, बाकी लोग भक्त नहीं है, तो हमका रिश्तेदारी में इधर उधर आएंगे जाएंगे नहीं, तो संग तो सबका होगा। तो यहाँ पर हमारे श्री रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं उपदेशामृत में कि संग कहते किसको है, पहले इसको समझो। संग का मतलब वो होता है दूसरे के भावों को अंगीकार करना। संग का ये मतलब नहीं किसी के साथ बैठ गए। हम बस में जाते हैं, बहुत प्रकार के लोग, नशेड़ी नजेड़ी भी होते हैं, बड़े अलग अलग प्रकार के लोग, तो क्या हमने उनका संग किया? नहीं किया, क्योंकि उनसे ना हमने कोई वार्तालाप की, ना कोई उनका कोई उनके हृदय से कोई आदान प्रदान किया, तो संग हुआ ही नहीं। संग करते हैं हम जब हृदय से किसी की बातों को ग्रहण करते हैं, उनके विचारों को ग्रहण करते हैं, इसको कहते हैं संग। तो हमें बड़ी सावधानी से संसार में रहते रहते बहुत लोगों से मिलना पड़ेगा, परंतु हर किसी के भावों को अंगीकार नहीं करना। भावों का उन्हीं के अंगीकार करना है जैसा आपका स्वभाव, आपके गुरुदेव ने बताया हरि नाम लिया अब इसको खूब अच्छे से करना। उसी प्रकार से हमें उनके भावों के किसके साथ हृदय की बातें करनी चाहिए, भक्तों के साथ, अन्यथा इर्द गिर्द इधर उधर कहीं भी अपनी हृदय की बातों को व्यक्त नहीं करना चाहिए, इसको कहते हैं संग। संग दोष के कारण ही हमारा भजन में मन नहीं लगता। और संग अच्छे लोगों का करेंगे, अभी जैसे आप भागवत सुन रहे हैं, अभी बड़ा उत्साह है भजन में, इसीलिए भजन में सबसे पहले श्रद्धा। श्रद्धा नहीं होगी तो आप यहाँ नहीं आते। श्रद्धा तो साधु संग, साधु संग हो गया, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निर्वृत्ति, निष्ठा भाव, रुचि, आसक्ति, फिर कितने प्रकार के फिर हमारे अंदर हृदय में भाव आएंगे। तो आएंगे कैसे? संग से। तो इसलिए सावधानी पूर्वक गुरुदेव से हरि नाम ले लिया, परंतु सावधान किसका संग करना है किसका नहीं, आप बुद्धिपूर्वक इसका विचार कीजिए। संग का ये मतलब नहीं कि रिश्तेदारों के साथ बैठना उठना नहीं है। संघ का मतलब उनके भावों को अंगीकार मत करना। अभी हमारे समक्ष कितनी सारी लेडीजों के सवाल आते हैं कि दीदी कोई कह रहा था आप भजन कर रहे हो, ऊपर से कष्ट आ रहे हैं, भजन भजन से कुछ नहीं रखा, उनका मन डोल जाता है कि ये जो कष्ट क्यों आ रहे हैं, ये हमारे कर्मों का खेल है, पिछले जन्मों के हमारे संस्कार हैं, और भगवान के भजन में आने से हमारे कुछ कष्ट कम हो रहे हैं, बढ़ने नहीं रहे। इसीलिए पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण विश्वास से, गुरुदेव की वाणी पर भरोसा, विश्वास, जो गुरुदेव उस जैसे इसमें एक और बात आती है भगवान के नाम में, उसका धैर्य च निश्चय, भजन में उत्साह रखो, धैर्य रखो, होगा और निश्चय पक्का होगा, गुरुदेव की वाणी पर विश्वास रखो। अब इसी उपलक्ष्य में जिस प्रकार से हम तो एक मनुष्य देह में यहाँ पर है, बड़े कष्ट रोग सताते हैं, इसके ऊपर एक चार रानी में एक राजा की चार रानियां थी, भगवत की पूरी भागवतम का ये सार है, गुरुदेव लास्ट में आपको सुनाएंगे, परंतु गुरुदेव का आदेश है तो उसी को मैं आपको बताना चाहूंगी। एक राजा थे, उसकी चार रानियां, चार रानियां। अभी पहली रानी को जब विवाह करके लाए तो बड़े सुंदर रूप से, सभी जब अपनी पत्नी को लाते हैं बड़े अच्छे से रखते हैं, पहली रानी से बड़ा प्रेम करते थे। जब भी कोई इस दुनिया में सबसे पहले कोई चीज चलती उसी के लिए जाते थे, सबसे पहले इतना प्रेम करते। और जैसे कोई अभी मार्केट में कोई नया कपड़ा चला है, कोई साड़ी आई है, कोई कंगन आई है, कोई क्रीम पाउडर साबुन तेल कुछ भी,
सबसे पहले पहली रानी बोला करती थी, फिर उसके बाद दूसरी रानी, बड़ी सुंदरी, बड़ी सुंदर थी। और जब भी राजा घर से बाहर जाते तो हम भी देखते हैं कि हमारी कोई अच्छा सा कोई अच्छी चीज़ हो ना उसको साथ लेके लोगों को दिखाएं तो सही, हमारे पास इतनी सुंदर पत्नी है या पति है या बच्चा है या कोई हमारे पास कोई वस्तु है। तो उसी प्रकार से बड़े अच्छे से सजा धजा कर और सबसे पहले उसको सजा धजा कर सुबह निकलने से पहले उसको तैयार कर देते अपने साथ लेके। फिर तीसरी रानी बड़ी मीठी मीठी बातें करती। राजा जब भी बाहर से आता तो सबसे पहले उसके निकट जाता और उसको सारी बाहर की बातें बताता, आज ऐसा हुआ, बड़ी मीठी मीठी, वो भी बड़ी मीठी मीठी बातें करती थी। और फिर एक चौथी रानी को राजा ब्याह कर तो ले आए, परंतु कभी पूछा नहीं, कभी कदर नहीं की कि तुझे कुछ तेल साबुन कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, कभी कदर नहीं की उसकी। इसके लिए रानी के मन में दुख तो था परंतु राजा से तो प्रेम करती थी ना, पत्नी थी उसकी। अभी एक दिन राजा बाहर थे तो एक संत मिले और संत ने कहा, राजा तेरा समय निकट आ गया है, इन अगले 7 दिनों में तुम मरने वाले हो, अब तुम देख लो तुम्हारे परिवार में जो तुम्हारे साथ चल सके उसको ले जाओ। राजा तो डर गया और घबरा कर आया सबसे पहले किसके पास, बड़ी रानी जिसको सबसे पहले मार्केट का सामान लाते थे। कहने लगे, रानी एक साधु ने मुझे बताया है कि मैं 7 दिनों में ही मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो रानी ने कहा, नहीं मैं आपके साथ एक कदम भी नहीं चल सकती। राजा तो हैरान हो गया, इतना प्रेम किया, सुबह उठते सबसे पहले इसी की सेवा में लगता था और इसी ने मना कर दिया। फिर दूसरी से उम्मीद रखी क्योंकि उसको भी बड़े अच्छे से सजा धजा कर हाथ में बिठा कर लेके जाता था। तो दूसरी से पूछा कि रानी मैं अगले 7 दिनों में मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो दूसरी रानी ने कहा, मैं इतनी सुंदरी ना मैं क्यों मरूं, तुम मरते हो तो जाओ, मैं तो तुम मरोगे और दूसरी शादी करूंगी, सब तो साथ बहुत लोग खड़े हैं, मैं इतनी सुंदरी हूँ, मेरे तो सब हाथ फैला कर ले जाएंगे। राजा हैरान हो गया। अब आया तीसरी रानी का नंबर, जिससे बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे राजा, हर एक बात शेयर करते थे। तीसरी रानी से पूछा कि रानी क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो तीसरी रानी ने कहा, हाँ मैं आपके साथ चलूंगी, परंतु बस चौपट कर, उससे आगे मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी, बस चौपट कर। राजा को अच्छा लगा, चलो उसने कहा तो सही। अब चौथी से तो कोई उम्मीद नहीं थी, तो कब वो उसकी पूछ नहीं करता, वो क्या पूछ करेगी। फिर भी राजा ने कहा, चलो पूछ ही लेता हूँ। तो चौथी रानी के पास बड़े मुंह लटका कर गए, आप कहाँ ले जाइए मुझे। चौथी रानी के पास मुंह लटका कर, भक्त वत्सल भगवान की, हरे कृष्ण बोल श्री गुरुदेव महाराज की। चौथी रानी के पास अभी मुंह तो था नहीं उसको जाने लायक, फिर भी सोचा चलो एक बार पूछ ही लेता हूँ। चौथी रानी के पास गए तो कहा कि इस प्रकार से एक साधु ने बताया है, मैं अगले 7 दिनों में मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उन्होंने कहा, मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ, हमारा जन्मों जन्मों का संबंध है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। राजा हैरान हो गए, जिसको कभी पूछा ही नहीं, जिसकी कोई कदर नहीं गई, वो मेरे साथ चलेगी। अब यहाँ पर देखो शिक्षा क्या है, सबसे पहले रानी कौन है, सबसे पहले दिन उठते ही हम किसकी सेवा करते हैं, इस शरीर की, उठते के साथ ही शरीर की सेवा में लग जाते हैं, जो एक कदम भी हमारे साथ नहीं चलेगा, एक कदम नहीं चलेगा हमारे प्राण निकलेंगे, सबसे पहले यही गिरेगा। एक साथ जिस शरीर के लिए आप सुंदर सुंदर क्रीम पाउडर और कपड़े अच्छे अच्छे, एक दूसरी पे साड़ी देख ली ना, बस उस साड़ी के लिए पति के पीछे पड़ जाते, वो साड़ी मुझे भी चाहिए, इस शरीर को सजाने के चक्कर में। और अगर इतना पैसा हम भगवान की सेवा में लगाएं तो उसकी होड़ कभी नहीं करते। अभी पहली सबसे पहले शरीर साथ छोड़े, दूसरी पत्नी कौन है, हमारा धन, हमारी दौलत, पैसा, हमें मरते ही पहले घर वाले हमें मार जलाने के लिए नहीं, पहले उस माल के ऊपर झगड़ा करेंगे।
तभी तो उसने कहा मेरे तो सब भूखे ही हैं, हाथ पसार कर मुझे ले जाएंगे। सबसे पहले हमने स्वयं देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा एक बुड्ढा मरा हमारे रिलेशन में था, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, भीड़ थी तो अंदर रूम में हम बैठे थे, वहां उनके एक पोती और एक बेटे का झगड़ा चल रहा था कि बाबा के पैसे, बाबा की कॉपी कहाँ है, बाबा की कॉपी, बाबा मर पड़ा है उसको भी ले जाने की जल्दी नहीं, बाबा की कॉपी की जल्दी है, बाबा की कॉपी आप लेके गए हॉस्पिटल में, बाबा 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 की कॉपी कहाँ है। ये हमने स्वयं देखा, हम सबके साथ ऐसा ही होने वाला है, कुछ अलग कोई नई बात नहीं, हम सबके साथ ऐसा होगा। ये भी हमारा साथ नहीं देगा, धन दौलत पैसा भी नहीं साथ देगा। तीसरी रानी कौन है? हमारा परिवार, हमारा परिवार जिससे हम बाहर से आते ही सबसे पहले मिलना पसंद करते हैं, कहीं दूर से आए ना, बहुत दिन हो गए परिवार वालों से, उसको वहां की बात बताना, फिर पत्नी हो गए, पति बच्चे सबसे हम मिलकर बात करते हैं। कहां तक जाएंगे हमारे साथ? बस चौखट, ज्यादा अधिक से अधिक चिता पर लेटा कर टाटा बाय बाय नहीं देंगे साथ। चौथी रानी कौन है? हमारी भक्ति, हमारी भक्ति जो जन्म जन्म तक हमारे साथ चलेगी, उसी की कदर नहीं। इसीलिए हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम करो नास्ते व नास्ते व नास्ते गति रुंधा। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम ही है जो हमें कल्याण कर सकता है हमारा, और इस हरि नाम से ही हम बच रहे हैं। मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना है, भगवान का नाम जितनी जल्दी हो सके ले लीजिए, कोई समय नहीं लगता। पता नहीं इन 7 दिनों के अंदर हम कब मर जाएंगे, हमें पता कुछ नहीं पता, 7 पलना 7 घंटे का 7 दिन कुछ नहीं पता हमें। जितना जल्दी हो सके हरि नाम ले लीजिए, और देखो श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, इन सभी शास्त्रों में कहा गया है हरि नाम कहाँ से लेना चाहिए? शुद्ध गुरु परंपरा। ऐसे ही कितने गुरु बन गई हैं, कलयुग अवतारी हैं वो सब, कलयुग के अवतारी बन गई हैं। आप तो खड्डे में गिरेंगे ही, हम सबको भी लेकर गिर जाएंगे। शुद्ध परंपरा जो भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही है, कृष्ण हई ते चतुर्मुखो हयो कृष्ण सेवा मुखो ब्रह्मा हई ते नारदे रमाति, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने अपने और आगे भक्तों को वही गुरु परंपरा, गौड़ीय परंपरा, बड़े शुद्ध गुरु और शुद्ध वैष्णव। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं भी आपके जैसे ही एक गृहस्थ हूँ, मेरे भी बेटे हैं, बहू है घर में, जैसा महाराज जी ने हमें सिखाया बिल्कुल बहू को बेटी जैसे बनाकर हम रखते, इसीलिए महाराज को डाउट हो गया कि बहू है या बेटी है, वो सचमुच हम बेटी बनाकर रखते हैं। घर परिवार बड़े अच्छे सुख शांति से है, क्यों? गुरु वैष्णव की कृपा से पहले ही सिखा दिया। और एक बार एक छोटी सी कथा, समय तो ज्यादा नहीं, एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। एक बार इसके लिए हमें अभिमान नहीं आना चाहिए, मैं खास कर अपने लिए इस बात को हमेशा याद रखती हूँ, अभिमान ना आ जाए, अपना ज्ञान ना समझ लें हम इसको, हमारा अपना नहीं है कुछ भी, हम प्योर मात्र हैं, ऊपर की आप तक पहुंचा रहे हैं बस, हम प्योर मात्र हैं और कुछ नहीं है हम। एक बार एक पक्षी था, और पक्षी नदी में, उसका ये खासियत है वो मछली को उछालता है और फिर मुंह में लेता है, एक पक्षी होता है, मैं नाम भूल रही हूँ, और उछालता है और फिर उसको मुंह में लेता है, उसका ये आदत है, उसकी उसका गुण है ये। इसको एक बार एक पुरुष देख रहा था कि ये पक्षी बड़ा अजीब है, कितना अच्छा इसके अंदर देखो गुण है, और उसने कोशिश की कि मैं भी ऐसा कुछ गेम, उसके पास कुछ काम नहीं था उसके पास, तो उसने ये बॉल ली और इधर से उधर उछाल कर ये ट्रिपलिंग बॉल बोलते हैं, एक गेम है ये ट्रिपलिंग बॉल, इसको कर किया सर्कस में, उनको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। अब इस प्रकार से वो उसका धंधा चल गया, काम नहीं था कुछ भी, परंतु सीखा कहाँ से? उस पक्षी से सीखा, और खूब अच्छा काम चल गया। अभी एक दिन एक इंसान ने उसको पूछ लिया, भैया तुमने कहाँ से सीखा, बड़ा अच्छा करते हो तुम तो उसने उस पक्षी का नाम लिया, ये दोष था ना, बताना चाहिए था, उसने ऐसे ही अपने आप आ गया, उस दिन उसे ट्रेवलिंग की नहीं हुई। तो ये जितना भी मैं
आपको बता रही हूँ, जितना मेरे अंदर जो कुछ भी आपको लग रहा हो वो सब कुछ महाराज जी का दिया हुआ है, महाराज जी का दिया हुआ है, और मैं हमेशा गुरु वैष्णव के चरणों में, गुरुदेव महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ, महाराज जी गुरुदेव मेरे अंदर कभी अभिमान ना आए कि मैं अपना ज्ञान समझ लिया हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं एक प्योर मात्र हूँ, इनका आप तक पहुंचाने का ये मेरा कार्य है। यदि आप लोगों को हमसे जुड़ना हो तो जूम पर हमारी क्लास चलती है सुबह 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, उसमें हम मंगल आरती, जो मंगल आरती है घर में होनी बहुत जरूरी है, खासकर इस कलयुग में हमारे लिए मंगल का कोई उपाय रहा ही नहीं है, कर नहीं पाते हम कुछ भी, परंतु इतना तो कर सभी स्त्रियां, वैसे सूर्य उदय से पहले हम सब स्त्रियों को उठ जाना चाहिए ऐसा शास्त्रों में और हमारे गुरुदेव ने हमें बताया है, और सचमुच आप उठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक तो घर का माहौल बड़ा अच्छा बना रहता है बकरीपुर, उसमें मंगल आरती ना आपका कोई पैसा लगना है, कोई पैसा नहीं लगना है, हम कोई क्लास का पैसा नहीं लेते, फ्री जूम ऐप आपको डाउनलोड करनी होगी और मेरा नंबर ले लेना, और आपको हम व्हाट्सएप पे उसको आपको जो हमारा लिंक है उसको भेज देंगे, सुदेवी दासी, मेरे गुरुदेव ने मुझे नाम दिया सुदेवी दासी के नाम से है, सुबह 4:30 से 6:30, उसमें फिर गौड़ी की भी कुछ कई स्तुतियां होंगी जो भगवान को बड़ी पसंद है, और आधे घंटे की सिर्फ कथा चलेगी, उस कथा में हम जिस प्रकार से अभी कर रहे हैं एक ग्रंथ को लेते हैं, एक एक गुरुदेव की कृपा से जो समझ नहीं आता महाराज जी से मैं पूछ लेती हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है, अपने जीवन का तारतम्य जीना आ जाएगा आपको। शाम को 7:00 से 8:30 सिर्फ 1.5 घंटे 1 घंटे भजन होते हैं, आधे घंटा क्लास होती है, उसमें कुछ प्रश्न उत्तर भी होते हैं, आज ही मेरे पास बड़ा अच्छा प्रश्न आया था सांस लोगों का तो उसमें कह रहे सांस लोगों का झगड़ा क्यों होता है, तो देखो सांस लोगों का झगड़ा का कारण महाराज जी ने बहुत सुंदर बताया आज, सांस बहू का झगड़े का कारण है सांस को सांस समझना, बहू को बहू समझना, सांस यदि बहू को सबसे पहले पहल करनी होती है सांस को, बहू पहल नहीं करेगी, बहू दूसरे घर से आई है वो अभी हमें मां समझने में हिचकिचाहट करेगी, तो सबसे पहले समझना होगा सांस को, सांस 1 दिन 2 दिन 4 दिन अपनी बहू को बेटी की जैसे समझेगी, बहू की समझ में आ जाएगा मम्मी तो बहुत अच्छी है, और फिर वही बहू आपकी बेटी बन जाएगी, तो सास बहू के झगड़े का कारण यही है, बहू अपनी सास को मां नहीं समझ रही है और सास अपनी बहू को बेटी नहीं समझ रही, यही कारण है, यही पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, कुछ त्रुटि हुई हो तो मेरा बड़ा कसूर, मैं अभी गुरुदेव से अच्छे से कुछ सीख नहीं पाई, यदि कुछ अच्छा लगा तो मेरे गुरु वैष्णव को सम्मान, क्योंकि उन्होंने ही मुझे जो कुछ सिखाया वही था, कुछ त्रुटि हुई होगी वो मेरी खामियां हैं, और श्री गुरु हरे कृष्णा। आप लोगों ने 4 बहुओं की कथा सुनी, सुने कि नहीं, आइए बताओ कौन सा बहू उसकी काम में आई है, जोर से बोला, लेकिन उसने 3 बहू को तो उन्होंने इज्जत दिया, लेकिन जो सबसे जो छोटी पत्नी थी उसको कभी जिंदगी में पूछा कि नहीं, तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं पूछा ही नहीं, लेकिन जब अंतिम समय आया राजा ने पूछा 4th बहू को तुम साथ में चलोगी, लेकिन ये 3 बहू ने कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन जो जिसको जिंदगी में कभी पूछा भी नहीं ना वही बहू उसकी काम में वही बहू आई, ठीक है ना, कहते हम जिंदगी में किसको नहीं पूछते हैं, शरीर को तो पूछते हैं, रुपया पैसा का तो खूब ध्यान देते हैं, परिवार को तो ध्यान देते हैं, लेकिन अगर कोई बोले भैया भगवान की थोड़े भजन करो हरिनाम थोड़ा माला जपो, लेकिन हम क्या कहते हैं ऐसा बेकार काम है, जिसका कोई काम काम नहीं ना वही सब बैठी करके हरे कृष्ण नाम करते रहते हैं, ये सब बेकार काम है, लेकिन भैया अंतिम समय में आप देखे होंगे भारत में जब अंतिम समय में किसकी सर भी छूट जाए, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे क्या सुनाएंगे, यही बोलेंगे राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है सत्य बोल गत्य है सब कोई बात झूठा है, बोले भैया जितने राम और कृष्ण का नाम लिए हो वही तेरे साथ में जा रहे हैं, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किए तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ में यहाँ से नहीं जा रही है,
इसलिए चौथे भोग जो भगवान के नाम है उसको प्रति आप ध्यान दो, ठीक है ना। इसलिए अभी हम कोशिश करेंगे एक माला जप करेंगे, फिर राधा रानी की जन्म कथा सुनकर जाएंगे। और देखो अभी जो दीदी ने बताया ना, अगर ये जूम में कोई जुड़ना चाहते हो आप इनके जूम में जुड़ जाओ। फोन है इसके किसी के पास में, फोन लाए हो सर, जल्दी अपना फोन नंबर बता दो। ये फोन है ना, ये माइक ले हो, अपना फोन नंबर बता दो। ये सब आपको अगर सवेरे का जो क्लास है अगर उसमें भी जुड़ सकते हो जुड़ना, नहीं तो शाम को, तो तुम्हारी जितनी इच्छा जितने समय हो आप उतना समय दो। ऐसे नहीं सवेरे शाम को दोनों में तुमको जुड़ना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमको जितने समय मिलेगा, सवेरे जैसे चार चार बजे उठा करके क्या करते हैं, सबको बैठा करके ठाकुर का नाम जपा करते हैं, ठाकुर जी की नाम जपवाया करते हैं सबको। आपको जितने समय होगा उतना समय प्रभु का नाम करोगे, देखो ना इतनी शांति तुमको मिलेगी ना। देखो इसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मतलब क्या है, हरे मतलब होता है हरि का नाम लेने से जीवन का जितने दुख कष्ट हर जाता है, दुख कष्ट दूर हो जाता है। इसलिए हरे कृष्णा मतलब हमारी मन चंचल है, मन भटकता है, मन को कभी कभी शांति सुख नहीं मिलती है। क्री मतलब होता है आकर्षण करना, स्ना मतलब आनंद देना। कृष्ण नाम लेने से तुम्हारी जो भटकता हुआ जो मन है वह मन नहीं भटकेगा है, ये मन शांत हो जाएगा, शांति मिलेगा। इसलिए इनका नाम कृष्णा। बोले राम मतलब क्या होता है, बोले जीवन में जो आराम दे, जीवन में आराम और सुख शांति दे। इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र में ये सारे चीज विद्यमान है, सारे चीज विद्यमान ये हरे कृष्ण महामंत्र में। जिस नाम को ब्रह्मा शंकर नारद ये सब के सब भगवान के नाम ही जप करते हैं, ठीक है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो, पहले बताया था ना, चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, भक्त हमारे घर में आपका भोजन है। भगवान बोले देखो सबको घर में हम खाना नहीं खाते हैं, बोले किसको घर में खाते हो, बोले जो लखपति बनेगा। भैया थोड़ी एक मिनट रुक जाओ, बोले जो लखपति बनेगा उसको घर में खाएंगे। आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब 1 लाख स्वर्ण मोहर जिसको घर में हो, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक मिलेंगे। 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मुद्रा। आप कह रहे हो जो लाख लखपति जो बनेगा, कभी तो हमारे घर में लखपति बन ही नहीं सकते, क्या हमारे घर में भोजन नहीं करोगे। भगवान समझाया, जानते हो असली लखपति कौन, बोले रोजाना जो 1 लाख नाम ठाकुर को देते हैं। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे उसो माला माल हुए, और माया के जो पढ़ने पुजारी आखिर वो कांगाल हुए। अब मेरे तरफ में और एक बार देख लो आप, इसलिए हम कोशिश करते 7 दिन में आपको पक्के भक्त बनाना चाहते हैं। 7 दिन के अंदर में इतने अच्छे संस्कार पड़े, जब कथा से जाओ ना जैसे हम चाहते हैं, जैसे तुम्हारी रोम रोम में कण कण में ये भक्ति समा जाए, तुम घर में जाने पर भी प्रभु का भक्ति में डूबे रहो, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। देखो मेरे तरफ में देख लो लखपति कैसे बनोगे। कुछ दिन पहले टीवी में आता था, आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो, सब जानते हो। कुछ दिन पहले आता था टीवी में कौन बनेगा करोड़पति, आता था ना कौन बनेगा करोड़पति। यहाँ पर भगवान कहते हैं कौन बनेगा लखपति। अब देख लो माला कहीं जप करोगे, अभी माला जप पाएंगे, ये अंगुल को इसमें टच नहीं करते हैं, कारण है ये गंदा अंगुल, ये सबसे पहले निकलता है ना, तेरे को हम देख लेंगे तू मेरे को क्या समझते हो। देखना यही अंगुल मतलब ये अहंकार का प्रतीक है, काम क्रोध की प्रतीक ये है, इसलिए ये अंगुल को हम बाहर निकाल करके ये बीच वाले अंगुल को पर रखते हैं ना, ये माला को। कहते ये राधा कृष्ण का रूप, ये मोती नहीं एक एक गोपियां हैं, ये बीच में मानो राधा कृष्ण को रख करके रास कर रहे हैं। इसलिए जब जब करते हैं इसको जैसे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, अब चुप रहो, पहले हम लोग कहते हरे कृष्णा, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया, 16 बार हो गया। जब हमने एक मोती को सरकाते हैं पूरा बोल करके 16 नाम हो गया, इसमें 108 मोती हैं। जब इधर जप करते करते जब इधर समाप्त हो जाए
इसको पार नहीं करते हैं, पार नहीं करके घुमा करके फिर दूसरे तरफ से फिर करते हैं। अगर ऐसे 16 माला कर लिया ना, वो हिसाब से होता है 25,000। अगर आपने 64 माला कर ली, कहते 1,00,000। भगवान कह रहे हैं बोले 1,00,000 तुमने माला नहीं किए, आज तुम्हारे नाम पर 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट होगी बैंक में, फिक्स डिपॉजिट। ये कृष्णा खुद कह रहे हैं बात को, बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी, कहते दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन। आज अगर 1,00,000 ठाकुर का नाम की, कल आपको 1,25,000 मिलेगी और 4 दिन में 2,00,000। जब आप ऊपर जाओगे ना, कापी खुलेगा तो अरब खरब रुपया मिलेगा आपको, क्योंकि भगवान का नाम जब किए। आप लोगों ने कबीर का नाम सुने हो, कौन कौन कबीर का नाम जानते हो? जानते हो कबीर दास, इनकी एक दोहा है, देखो क्या कहते हैं, बोले मरने में ये सब जब जगह डरे मेरा मन आनंद। किसने कहा? भैया अभी कोरोना आया था ना, सबको सबको बंद कर दिया, कोई घर से नहीं निकलते, क्यों मर नहीं जाए, है ना। कल जगत में मरने में सब जगह डरे, लेकिन कबीर दास कहते मैं तो खुश हो रहा। किसने पूछा भैया तू भी खुश हो रहे? देखो ये चीज को समझो क्या कहते हैं, बल इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, कब मरेंगे कब भेटिए परमानंद। वो कबीर कहते इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, मैंने जिंदगी भर मैंने प्रभु का माला मैंने किया, प्रभु की मैंने भजन की है, मेरे को पता है मरने के बाद मैं जब जाऊँगा मेरे लिए भियाई भी व्यवस्था होगी प्रभु का धाम में, क्योंकि प्रभु का नाम को लेते लेते मैंने गया है। बोले दूसरे लोग क्यों डरते हैं? बोले भजन नहीं किया ना, पता है 84 लाख योजने में फिर कुत्ते गधे होकर के पेड़ पौधा पर जन्म लो, फिर बैतरणी नदी पार करो, फिर डंडा पड़ेगा 84 नरक हो करके, इसलिए सब के सब डर रहे हैं, लेकिन इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, मैंने प्रभु का भजन किया है, मेरे को पता है मेरे लिए बढ़िया व्यवस्था होगी। अगर प्रभु का भजन करेंगे तो आप लिए VIP व्यवस्था होगा, क्यों? प्रभु का भजन करते हुए जा रहे हो, इसलिए ये नाम की बड़े महत्व है। ठीक है, अभी हम लोग कोशिश करेंगे एक माला जप करने के लिए। हाँ बोल दो तुम्हारे फोन नंबर, अब इनके फोन नंबर को अपने नोट कर लो, अभी इनकी व्हाट्सएप में जूम में जोड़ देना, जुड़ जाना और भगवान के भजन करोगे, देखोगे कितने शांति तुमको मिलेगी, कितने आनंद मिलेगी। बोल दो हरे कृष्णा। एक छोटी सी और बात कहूंगी मैं, देखो हमें एक तो मन मर्जी से भक्ति करते हैं, मन मर्जी, और एक होता है किसी के अनुगत में रहना। हम किसी के अनुगत में रहेंगे तो ठीक रहेगा, जैसे महाराज जी के अनुगत में रहकर हम भक्ति कर रहे हैं तो ठीक रहेगा, हमें अच्छा गलती सबकियाँ पता चलेंगी। अगर अनुगत में रहकर कितने लोग कहते हैं हम तो पूजा पाठ करते हैं, हमसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम तो करते हैं, गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, यदि आप अपने बच्चे को घर में ट्यूशन दे दो, अच्छे से अच्छा ट्यूशन दे दो, तो क्या आपको डिग्री मिलेगी? और जब तक उसके हाथ में डिग्री नहीं होगी उसको कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। इसीलिए गुरु बनाने आवश्यक हैं। अब इतना तो जान लिया गुरु बनाने आवश्यक है, परंतु गुरु कहीं से भी नहीं बनाने, ये भी जानना आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छान कर। पानी अच्छा पियोगे शरीर ठीक रहेगा, गुरु अच्छे रहेंगे तो जीवन अच्छा रहेगा। तो इसीलिए सदगुरु से ही चरण आश्रित होकर और किसी के अनुगत में, हम गुरुदेव महाराज जी के अनुगत में है और इसीलिए हम उनके अनुसार ही चल रहे हैं कि किस प्रकार से भजन करना है। यदि आपको जूम क्लास में 4:30 बजे जल्दी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 6 बजे आइए। आप कभी भी उस जूम क्लास में कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। 6 बजे से 6:30 बजे आइए, उसमें आपको कुछ सुनने को मिलेगा, उससे फिर आपकी भजन में रुचि उत्पन्न होगी। और जब भजन में रुचि उत्पन्न होगी अपने आप ही आप 4:30 बजे आप खुल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा नंबर ले लीजिए 7217899544। आप मुझे फोन करके बोलेंगे व्हाट्सएप पर कुछ भी, तो मैं आपको अपना लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, और शाम को यदि आप 7 बजे नहीं आ सकते तो ठीक 8 बजने में 15 मिनट जब होते हैं हमारी क्लास शुरू हो जाती है कथावाणी। उससे पहले हम गौड़ी गीति कुछ के भजन करते हैं, जिसमें शरणागति के भजन है, गुरु निष्ठा के भजन है, राधा कृष्ण युगल सरकार के गोवर्धन की वंदना है, जमुना महारानी की वंदना है। इस प्रकार से वंदना करते हैं जो हमारे जीवन में जरूरी है। तो आप जैसा सुदेवी दासी नाम से मेरा लिंक है,
वो उसमें आप ही जिसके पर ट्रू कॉलर लगा होगा उसमें आ जाएगा, सुदेवी का जूम पर। दोबारा फोन नंबर बोलू 7217899544। हर महीने हम गोवर्धन परिक्रमा का भी प्रोग्राम बनाते हैं, बस जाती है यही कालका मंदिर में, यहीं से जाती है और उसमें भी आप चल सकते हैं। और यदि सेवा का मौका मिलेगा तो हम एक्स्ट्रा भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम दो बस लेके जाते हैं हर महीने, तो अगर कहेंगे तो हम चार बस भी ले जाएंगे। परंतु गुरु वैष्णव के अनुगत से जितना सीखा, धाम से प्रेम करना होना बहुत जरूरी है। धाम से प्रेम नहीं होगा तो आप घूम के आ जाओगे, वहाँ दर्शन नहीं कर पाओगे। और गुरु वैष्णव की कृपा से जितना सीखा है उतना सिखाने की मैं चेष्टा करूंगी, तो आप सेवा का मौका जरूर देना, ठीक है। हरे कृष्णा और श्री गुरुदेव महाराज की जय। कहीं माला दे दो सुन, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इधर सुनो, इधर सुन लो। कल है ना ये भागवत कथा में, कल है श्री गिरिराज की अन्नपूर्ण, सुन लो। कल गिरिराज की अन्नपूर्ण है, इसलिए कल भागवत कथा में गिरिराज की पूजा की कथा रहेगी। ये गिरिराज की बड़ी महिमा है, हैं? इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, आप लोग गोवर्धन गए हो? कौन कौन गोवर्धन गए? आप देखना जब गोवर्धन जाओ, देखना वहाँ पर गिरिराज शिला के ऊपर शिला रखा हुआ है। ये शिला के ऊपर शिला क्यों रख करके जाते हैं? कहते गुरु जी कहते जिसको जितने मंजिली जरूरत, मकान की मंजिली जरूरत है, जितने शिला को ऊपर में शिला रख दोगे ना ठाकुर जी उतना मंजिली मकान बना देते हैं। इतने महिमा गुरु जी कहते थे, जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे ठाकुर भी घूमते हैं। जिनके बच्चों का नौकरी नहीं, बेटी की शादी नहीं हुई, आप देखे होंगे पेड़ में जा करके कोई धागा बांध करके आते हैं, गिरिराज की अभिषेक कराते हैं। मतलब गिरिराज से जो चीज मांगो ना, गिरिराज सब इच्छाओं को गिरिराज पूरी कर देते हैं। इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा है। कल यहाँ पर श्री हम लोग गिरिराज अन्नकूट की पूजा, इसलिए गिरिराज अन्नकूट कल यहाँ पर उत्सव होएगा। इसलिए आप लोग कल सबके साथ कोशिश करना कि गिरिराज स्वयं बताए, अगर गिरिराज के लिए एक अन्न की दाना कोई गिरिराज की सेवा में दे दे, केवल एक अन्न की दाना, गिरिराज स्वयं कहते हैं इनके घर में किसी जीवन में भी अन्न वस्त्र की कभी अभी कमी नहीं पड़ेगी। ये गिरिराज के मुंह से निकली हुई है, क्योंकि गिरिराज परिक्रमा कृष्ण स्वयं किया है अपना ब्रजवासियों को लेकर के। गिरिराज की बड़ी महिमा, कल भागवत कथा गिरिराज की पूजा है। अगर हो सके तो यहाँ तो सभी के लिए कढ़ी चावल हलवा तो बनेगा, सभी के लिए तो प्रसाद, हो सकता है तो आरती की सब्जी बनेगी, इसलिए कल तो सभी के लिए प्रसाद है। लेकिन आप लोग कोशिश करना अपना घर से जो प्याज लहसुन के बगैर प्याज लहसुन के, अगर थोड़ी सी कोई सब्जी बना सकते हो, नहीं थोड़ी सी लड़का हलवा बना सकते हो, नहीं तो पूरी, नहीं तो कोई एक फल हो, नहीं तो कोई एक मिठाई हो, कुछ भी हो तुम्हारी संभव में, कुछ ना कुछ लेकर के आना। कल गिरिराज की पूजा होगी, उसको बाद में ये प्रसाद आपको ही मिलेगा, ये प्रसाद आपको ही मिलेगा। और गिरिराज का एक बार अगर जीवन में पूजा किए, जन्म जन्मांतर के जितने गरीबी है कि जन्म जन्मांतर के लिए नष्ट हो जाएगी, इतने महिमा गिरिराज की पूजा की। प्लस गिरिराज महाराज की जय जय श्री राम। सबको माला दे दिया, सबके पास में गया माला, हमारे पास में इतना माला नहीं, थोड़ी सी है, आप मेरे साथ में जप कर लो, ठीक फल मिलेगा। ये मत समझो जिनके पास में माला गया तो माला में करो, और खाली खाली मेरे साथ में कर लो, फल मिलेगा, ठीक है। आंख बंद कर लो, समझो वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण में हम बैठे हैं, ठाकुर जी के चरण में बैठ करके हम भगवान के नाम को ले रहे हैं। सबके सब करना, क्योंकि जो नाम करेगा ना उसको पाप उठ जाएगा, लेकिन बैठेगा कहाँ पर जो करेगा नहीं। ये बात समझो, हमारे पास में माला नहीं, चुपचाप बैठेगी, सब कैसे मेरे साथ में करो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इसलिए जो जिन लोगों ने माला ली है सब वापस दे दो, कोई लेना नहीं, क्योंकि अभी दो दिन तक आप हरिनाम करवाना, ठीक है, जो लेगा उसको पाप लगेगा, इसलिए सब माला वापस दे दो, ले आओ सब के सब। हाँ, जिनको इच्छा होगी हम भी हरिनाम करना चाहते हैं, हम लोग श्री जेपी प्रभु के घर में हैं भैया, हम लोग जहाँ पर वो एड्रेस क्या है, क्या एड्रेस है जेपी प्रभु का घर का एड्रेस क्या है,
हमारे घर का आदर्श क्या है? 469 क्या घर का नंबर है? और गली 5 नंबर गली 4, 6 और 9 घर का नंबर है। हम वहीं रुके हैं, अगर कोई 7 बजे 8 बजे 9 बजे भी आओगे आपको कुछ बता करके माला को हम देते हैं। ऐसे हरिनाम करना जिसकी इच्छा हो अब आगे तो माला ले सकता हूँ। ठीक है भैया, राधा रानी तैयारी, आप तैयारी होगी? राधा रानी तैयार होगी कि नहीं? हाँ राधा रानी, अभी राधा रानी जन्म लगी। प्रसिद्ध राधा रानी की जय जय श्री रानी। हाँ देखो श्री वृषभानु महाराज जी की बेटी राधा रानी, इनके घर में एक बेटा था जिसका नाम था श्रीधाम भैया। ध्यान देकर सुना, अरे बोल बात मत करो। इसलिए जिनका नाम था श्रीधाम भैया, लेकिन घर में इनकी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वृषभानु महाराज सोच रहे हैं घर में जरूर बेटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जरूर बेटी होनी चाहिए, क्योंकि देखे ना घर में जब बेटी आती है ना सारा दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई। कौन आई? लेकिन अगर बेटा हो कोई बोलता है नारायण आया है? नहीं, लेकिन बेटी आई तो दुनिया क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई। आप देखना जब बेटी की दान की जाती है ना, जब बेटी की दान की जाती है लक्ष्मी रूपा मान कर बेटी दान देती है। तब जगत में बड़ा बड़ा दान है, तब सबसे बड़ा दान दुनिया में क्या है? कन्यादान। कन्यादान जैसे दुनिया में कुछ भी उसको साथ में बराबर नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया भी उल्टा हो गया है। अगर घर में बेटी हो जाए ना, नाना नानी का तो अवस्था था, बेटी कैसे हो गई, लेकिन बेटा हो जाए तो बड़े खुश होते हैं। लेकिन देखा ना जो बेटा है ना वो क्या करता है? पिता माता की हक जमाता है हमें, लेकिन बेटियाँ कुछ नहीं मानती हैं, वो तो बेटी शादी होकर चली जाती है। आप देखना भले ही बेटी जितने दूर शादी होकर जाए, हमने देखा वहीं से खबर लेती रहती है हमारे पिता माता ठीक ठाक है ना, पिता माता कैसे खबर लेती। मैंने बहुत सारी जगह गया हूँ, लास्ट में देखा कभी कभी बेटा शादी हो जाने के बाद घर में इतने झगड़ा होता है, पिता माता जाकर के बेटी को पास में रहने लगता है, वो बेटी ही पिता माता की लास्ट में सेवा करती है। इसलिए भैया बेटा हो नहीं तो बेटी हो, घर में कुछ भी आए ना सब दोनों को बराबर रूप में देखना। हर गाड़ी को पीछे लिखा हुआ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोला लिखा हुआ कि नहीं है? इसलिए दोनों आए दोनों को जतन करके रखनी चाहिए घर में। अभी वृषभानु घर में बेटी नहीं एक बेटा, कौन है? श्रीधाम भैया। लेकिन वृषभानु महाराज सोच रहे घर में बेटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बेटी आई तो घर में लक्ष्मी आती है। आप देखना जिस घर में बेटी ज्यादा आएगी ना लक्ष्मी भी ज्यादा आती इसी घर में, क्योंकि बेटी लक्ष्मी स्वरूप होती है ना, है? इसलिए अभी वो बड़ा सोच रहे हैं। राधा रानी किसको बनाई? इसको बनाई राधा रानी किसको बनाई? आ रही ना, हाँ ठीक है, ये बच्ची को भी साथ में ले जाना, इसको ऊपर चुंदरी ओढ़ कर ले आना, ऐसे नहीं चुंदरी ओढ़ कर ले आना, या उधर चले जाना। श्री राधा रानी की जय। अभी वृषभानु महाराज का नित्य नियम था, वो जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने के लिए। जब स्नान के लिए गए ना, देखा एक सततल कमल पुष्प के ऊपर में किलकार मारते हुए एक बेटी अंगूठा चूस रही है और उसको ज्योति से चतुर्थी को उद्वास कर रहा था। बड़ी सुंदरी एक कुमार ईश्वरी है कुमारी, धीरे धीरे पानी में बहते बहते आ रही है कमल फूल के ऊपर में अपना अंगूठा चूसते हुए। और वृषभानु महाराज जो पानी में उतरे ना, वो बेटी धीरे धीरे इनको पास में आई और इन्होंने उसी बेटी को उन्होंने अपना गोद में ले लिया। बोले श्रीमती राधा रानी की, तो उन्होंने अपना कृतिका देवी को दिया, हमें दे ठाकुर ने हमें आज लाली दी है, और उन्होंने अपना बेटी जैसे उनको पालन कर दी थी। नारद जी ने देखा कृष्ण तो गोकुल में आए, कृष्ण कभी अकेला नहीं आएंगे, वो अपना सखी को साथ में आते हैं। गली गलियों में नारद ढूंढ रहे हैं, कहीं ललिता कहीं विशाखा, लेकिन राधा रानी में। लेकिन जब रावल में वृषभानु महाराज जी को घर में गए और उन्होंने पूछा घर में कोई संतान हुआ, श्रीधाम भैया को दिखाए, बोलते कृष्ण का सखा है, ये बड़े भाग्यवान है, कृष्ण के बड़े प्यारा सखा है। बोले घर में कोई लाली बच्चू को हो गए, बोले क्यों? उन्होंने लाली को उन्होंने यमुना से प्राप्त किया, चुप हो गए, बोले बताओ ना, बोले हाँ घर में भी बेटी थी, बोले लेकर के आओ। जब बेटी को लेकर के आए ना, तो राधा ने
देख करके पहचान गए, बोले भैया इन्हीं को तो मैं ढूंढ रहा था। तब उन्होंने बहाना बनाया था, फूल लेकर के आओ, ये बच्ची को मैं आशीर्वाद दूंगा। जब गए ना राधा रानी, झट वहां किशोरी बन गई, ललिता विशाखा सखियां प्रकट हो गई। ललिता कह रही है नारद जी क्या देख रहे हो, राधा जी की स्तुति करो, फिर राधा रानी अंतर ध्यान हो जाएगी। फिर उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की, बोले मुनिंद्र बृंद बंदित त्रिलोक स्वर्ग हारी प्रसन्न भद्र पंत इसका नाम है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। अच्छे तरह से समझो, अगर इस स्तोत्र को कोई पढ़ेगा ना उसको जरूर राधा रानी की कृपा होगी। अगर ये स्तोत्र को कोई राधा कुंड में छाती तक हो, कमर तक हो, पानी में 108 बार कोई पढ़ेगा तो राधा रानी स्वयं राधा कुंड से प्रकट होकर दर्शन देती है। राधा रानी स्वयं उसको दर्शन देती, इतने महिमा। अगर ये स्तोत्र किसी घर में पढ़ोगे ना, जिस घर में पढ़ाई होती है उसी घर में नित्य राधा रानी उसी घर में रहती है। राधा रानी लक्ष्मी घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अभी जो सरिता दीदी जब क्लास दे रही ना, उसमें सब स्तोत्र को पढ़ाती है, ये सब चीज को उसमें गवाती है, हैं? इसलिए जरूर इसको, जैसे कभी दुर्गा चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, लेकिन राधा चालीसा, राधा जी की इसको पढ़ोगे ना, सब देवादेवी की अपने आप पूजा हो जाएगी। क्योंकि कृष्ण जी की चरण की पूजा करते श्री राधा रानी, इसकी बड़ी महिमा है। देखते देखते राधा रानी अंदर ध्यान हो गई। श्री वृषभानु महाराज नौता दिए मेरे घर में लाली भई, लेकिन राधा रानी जन्म से आंख बंद कर रखी थी। जब मैया जसोदा कृष्ण को लेकर के राधा जी को पास में लेटा थी, इतने में कृष्णा अपना हाथ गोने राधा रानी को ऊपर रखते ही राधा रानी तो समझ गई मेरे श्याम सुंदर आ गए। इतने में राधा रानी आंख खोल गई और सामने श्री कृष्ण को देखा और वृषभानु महाराज इतने खुश हो गए, बोले बेटी तो हुई थी लेकिन जन्म से आंख बंद कर रखी थी, आंख खुले दिया ना प्रसन्न हो गई। वे बड़े धूमधाम से राधा रानी की जन्म उत्सव मनाया।